बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, गुम्मट वाले की जय, बंगला वाले की जय, पंजे वाले की जय। सुंदर सा जी कितने प्यारे दर्शन, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर सा जी के धाम हृदय में विराजमान, और पन्ना जी की तरहटी में विराजमान, और गुम्मट साहब में वांग्मय स्वरूप में विराजमान, प्राण पिया प्राण प्रियतम युगल स्वरूप के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी आइए परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले प्रवीण भाई बहुत सुंदर बहुत प्यारे दर्शन करवाते हुए, आपका कितना आभार व्यक्त किया जाए कि जाने की इच्छा होते हुए भी नहीं जा पाते, पर वहां बैठे बैठे सुंदर साथ कितने प्यारे दर्शन धनी जी के करवा रहे हैं। राज जी आपकी अपार मेहर। प्रणाम जी बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, महसूस कीजिए हम भी प्रवीण भाई के साथ साथ इन सुंदर साथ के दर्शन भी कर पा रहे हैं, परिक्रमा भी कर पा नाम जी। और धनी जी के तो बहुत सुंदर दर्शन हम सब सुंदर साथ कर पा रहे हैं, प्रणाम जी। गुम्बट जी के दर्शन हुए हैं हाँ जी और अभी ये बाहर की मंदिर की शोभा, और यहाँ से अभी आरती जब स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद। कैसा विशाल दरबार सुंदर साथ जी, कैसा विशाल दरबार मेरे अक्षरातीत का, हम सब सुंदर साथ की ओर से कोटान कोट प्रणाम। वहां सेवा करते सुंदर साथ को, हमारे प्राणनाथ को कोटान कोट प्रणाम। ये वही धरती है सुंदर साथ जी जहाँ उन ब्रह्म मुनियों ने अपने तन भी छोड़े थे, इस धरती के कण कण को प्रणाम सुंदर साथ जी। गुम्बट जी अभी बगला जी के दर्शन करेंगे। कल सेवाओं के ग्रुप्स बने हैं सुंदर साथ जी, आज राज जी का आशीर्वाद, कल बातूनी रूप से आज जाहिरी रूप से वो आशीर्वाद देते हुए धनी जी मेहर बरसाते हुए स्वयं ही करते हुए बहुत सुंदर। यहाँ बैठकर हमारे प्राणनाथ जी चर्चा किया करते थे सुंदर साथ जी, सारे गुज भेद वो खोला करते थे। सोचिए 5,000 की जमात जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टि, 1,500 ईश्वरी, 3,000 जीव सृष्टि जहां पर चर्चा सुना करते होंगे, ये वो दरबार है सुंदर साह जी। आरती का स्टार्टिंग होने वाला है। जी प्रणाम जी आपके चरणों सुंदर साथ में। जी सब दर्शन कर लीजिए राज्य के। साह जी दंडवत प्रणाम भी कर लीजिए, कर सकते हैं तो माथा हाँ सब टेकिए राज्य सबके के सबके सामने। सबके सबके थ्रू कर लेता हूँ। डेढ़ प्रणाम। अरे वाह, हम सब की ओर से प्रवीण भाई कर रहे हैं, थैंक यू प्रणाम जी। आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। प्राणनाथ जी का श्रृंगार तो देखो सुंदर साथ जी, कैसे सुंदर सुहा रहे हैं हमारे पिया जी। जितना नजदीक ले जा सकता हूँ उतना ले जा सकता हूँ। अरे वाह, इतने नजदीक से तो हमने जाकर भी कभी दर्शन नहीं किए है सुंदर साथ जी, इतना ये पुजारी जी भी प्रणाम जी बोल रहे। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी, जी थैंक प्रणाम यू जी सो मच प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ सुंदर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, थैंक यू सब सुंदर प्रणाम साथ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा लगा जैसे मैं हो आई, हर सुंदर साथ ये सोच रहा है जैसे मैं हो आई। प्रणाम जी प्रणाम जी।
थोड़ी सी आइए। दिक्कत, शाम को मैं टाइम का वो नहीं दिख पाया और ऐसे ही मैंने फोन लगा दिया था। नहीं नहीं एक्चुअली वो कोई थोड़ा बात भावुक हो नहीं, गया था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बधाई आपने दी कि आप पन्ना जी पहुंच चुके हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ जी के बहुत सुंदर कल ही ट्रेनिंग शुरू हुई, कैसे शेयर करना है, किस प्रकार सब कुछ करना है, ग्रुप कार्यान्वित शुरू हो गए। ओवरऑल कोऑर्डिनेटर कमलेश भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ना जो समय देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस झोंक देते हैं स्वयं को सेवा में। सुंदर साथ जी, कल शेयरिंग हुई, किस किस सुंदर साथ ने अपने वॉल पे की, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था। मैंने पूनम गुप्ता जी को भी देखा, मुकेश भैया को भी देखा, श्रीनिवास अंकल को देखा, अपनी अपनी वॉल पे सब शेयर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और कल 157 शेयर्स करके आए हमारे कमलेश भाई, मुकेश भाई, उसके बाद प्रफुल्ला बेन और शीतल जी। अति सुंदर आपने जो सेवा की, ये तो आगाज है सुंदर साथ जी। अभी तो राज जी ने बहुत आगे लेकर जाना है। मुझे बहुत प्राउड के साथ, बहुत गर्व के साथ ये मैं कह रही हूँ सुंदर साथ जी, कि हम सब सुंदर साथ की ओर से जूम को रिप्रेजेंट करते हुए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से बहुत बहु, जिसको कहें अनमोल पत्रिका, इस बार जागनी यात्रा की जो निकलने वाली है उसकी टाइपिंग की सेवा जूम से निकले हुए सुंदर साथ जी, यानी के कमलेश भाई, प्रवीण भाई, डीपी सिंह जी, पूजा रसवंत जी और संजीव भाई शाह और सुंदर साथ जी लवी ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरफ से ये प्यारी सेवा दी गई। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सीमित नहीं रहना, ये सेवाओं की सुगंध हर तरफ फैलनी चाहिए, हमारे समाज में इन सेवाओं की सुगंध जानी चाहिए। और सुंदर साथ जी, चौपाई डेकोरेटिंग सेवा शांता जैन जी ने इतनी सुंदर उसमें निभाई है, पहली बार चौपाई बनाई और मैं हैरान रह गई देखकर, कोई इतनी प्यारी चौपाई भी बना सकते हैं। तो आपके चरणों में प्रीत, यानी के प्रफुल्ला बेन के बेटे प्रीत की चौपाइयां बनकर रेडी हो गई। कल उन्होंने अपने ग्रुप का चार्ज संभाल लिया, इधर शेयरिंग सेवा वालों ने संभाल लिया। अब साक्षियों की सेवा में श्रीनिवास अंकल, आपका भी नाम है, आप आ नहीं पाए थे उसमें, साक्षियों की सेवा में भी सुंदर साथ के नाम आ चुके हैं। और कुछ सुंदर साथ उस दिन मीटिंग से वंचित रह गए, सेवा वाली मीटिंग में नहीं आ पाए। डोंट वरी, कोई कमी नहीं है, एक बार फिर से मीटिंग रखी जाएगी, वो सारे सुंदर साथ को समेट लिया जाएगा जिनके हृदय में सेवा के भाव हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं समय नहीं लूंगी, हमारी टीम इतने सुंदर प्रश्न तैयार करके आई है। जागनी का खुलासा, जागनी का आगाज हो चुका है सुंदर साथ जी, डोंट वरी। कल मैं सोच रही थी धनी कब कब स्टार्ट होगा ये, तो जैसे ही सुंदर साथ जी सरसावा से आ जाएंगे, जैसे ही श्री रतनपुरी से आ जाएंगे, जैसे ही पन्ना जी में कार्यक्रम होता है सितंबर में, वहां से जैसे ही वापस आएंगे, जागनी स्पेशल, जागनी हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी। और तब तक आपके पास समय है, आप सरसावा जा रहे हैं, रतनपुरी जा रहे हैं, पन्ना जी जा रहे हैं, शेरपुर जा रहे हैं, करनाल जा रहे हैं, किसी भी, रतनपुरी जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, कहीं भी जो स्थान आपका है वहां मैसेज जरूर आपने छोड़ के आना है कि जागनी हेल्पलाइन इज गोइंग टू स्टार्ट। किसी को भी किसी तरह की मदद, एक्सपर्ट पैनल से सुंदर साथ आएंगे, समझाएंगे जागनी की उत्सुकता कैसे पैदा करें, क्या ऐसे सेंटेंसेस बोले कि मन में उत्सुकता हो कि मैंने इस बारे में जानना है, कौन सा ज्ञान इनके पास छुपा हुआ है, आगे कैसे स्टेप्स बढ़ाएंगे। सब अपनी अपनी तरफ से जो जो मिलेंगे उनको मैसेज दे के आएंगे। जल्दी पोस्ट बना दी जाएगी, 1 महीना कम से कम है, उस पोस्ट को हर जगह फैलाएंगे। एक भी सुंदर साथ ऐसा ना हो जिसने कम से कम एक की जागनी का बीड़ा राज्य उसके हृदय में बैठकर ना उठाए। आइए चलते हैं। चांद कमल आंटी ने बहुत ही सुंदर मुझे पहले से ही भेज दिया पूरा सीरियल ऑर्डर, पर सबसे पहले समय ना लेते हुए श्री मुखवाणी गायन के सुंदर साथ, हमारी शशि चड्डा जी और जयंती भाई जी, और आज कौशिका बेन रेडी रहेंगे प्यारी अर्जी गायन के लिए। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार। अब जाग देखो सुख जागनी, आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार। आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार। कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, वचन खांडा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब तारू तुम्हें या विद जो, लगे ना लहर लगार, लगे ना लहर लगार। अब तारू तुम्हें या विद जो, लगे ना लहर लगार, लगे ना लहर लगार। सुख पाल में बैठाए सुखे, सुख पाल में बैठाए सुखे, घर पहुंचाऊं निर्धार। अब जाग देखो सुख जागनी, उपजाए दे अंग थे रस प्रेम के प्रकार, प्रेम के प्रकार। उपजाए दे अंग थे रस प्रेम के प्रकार, प्रेम के प्रकार। प्रकाश पूरन करके सब, प्रकाश पूरन करके सब, टालू रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपको कैसे पता लग गया कि धनी जी ने जागनी का इतना सुंदर जो अनाउंसमेंट हुआ, और अब कहते हैं अब जाग देखो सुख जागनी, कैसे धनी ने आपके हृदय में डाला, कैसे
पिया जी कैसे मास्टर प्लानिंग करते जा रहे हैं, जागनी की गति अब और भी तेज होनी चाहिए। एक एक सुंदर साथ के हृदय में बैठकर पिया स्वयं बोलेंगे, सुंदर साथ जी अब वो दिन दूर नहीं है। उन्होंने पन्ना जी से भी संदेश भेज दिया आज, और शशि दीदी के मुखारबिंद से भी वो मीठा संदेश हम सबको कब से दे रहे हैं, शायद सुनाई हमें आज दे रहा है। सुंदर साथ जी जागनी अब तो आप जाग कर रही हो, देखो, हम तो बस देख सुख जागनी नहीं, वो ही रहे पिया हैं। कर रहे हैं। आपकी मीठी वाणी में सुन के बहुत अच्छा लगा शशि दीदी, बहुत सुंदर। सेवा भावी सुंदर साथ जब हृदय से गाता है ना, तो अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। और अब हमारे जयंती भाई, यानी के अराउंड द ग्लोब जाना है सुंदर साथ जी, इंडिया से चलते हैं यूएस। प्रणाम जी जयंती भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के दाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ जी के नूर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो जी, बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, जब लक कर पावत नहीं अपनो, जब लक कर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत बर मानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल माहौल रचो है सो, अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नाही, या के आस पास अटकाव नाही, तुम जग के संशय बनो रे साधु, पहले आप पहचानो। निंदा उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे माहौल रचानो, तब आप घर पाओगे अपनो, तब आप घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं पर खानो, महामत कहे मोहे पार खोजोगे, महामत कहे मोहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओलखानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी जयंती भाई, नाम बहुत सुंदर। धनी कह रहे हैं पहले आप पहचानो फिर जागनी के लिए मैं तुम्हारे दिल में
वो भाव डालूंगा और एक एक सुंदर साथ के लिए, एक एक सुंदर साथ कम से कम उनको संदेश पहुंचाएं। अति सुंदर आपने ये प्राणनाथ जी का प्यारा संदेश हमारे हृदय में उतारा, आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे लगा पन्ना जी में ही गा रहे हो, जैसे आज मुझे ऐसे लगा वहीं से आवाज आ रही हो, जैसे वहां पे गायन होता है ना, वैसे ही आज आपने करके दिखाया। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम जी। आज तो ऐसे खुल के दर्शन पिया दिए ही जा रहे हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आइए अब पन्ना जी दरबार में हाजिरी लगाते हुए श्री बीतक साहब, जहां घटित हुई है सुंदर साथ जी, उनके प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। और ये चौपाई अभी अभी मुझे बताया हरीश भाई जी ने बनाकर भेजी, अभी प्रीत ने आगे बनानी है। वो कौन है? हमारी रसीला बेन के हस्बैंड हैं प्यारे, उन्होंने बनाकर भेजी। भाई आप हरीश भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और डीपी सिंह जी ने भी बहुत सुंदर टाइपिंग की सेवा में हाथ बटाया, अपनी सहयोगिता निभाई है, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए बहुत ही वेरी वेरी नाइसली अरेंज्ड सीरियल ऑर्डर चांद कमल आंटी ने वेरी रिस्पॉन्सिबली भेज दिया, दुष्यंत भैया ने, अनु दीदी ने, जो जो शेयर करना है इन एडवांस, कल ही मिल गया था। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के कोई सरप्राइज मिला हो कि ये भी शेयर करना है, नहीं, वेरी रिस्पॉन्सिबल टीम। जागनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी जरूरी भी बहुत है, खुलासा तभी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, सुरक्षा आंटी सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा ऑन करिए आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप दिखाई नहीं दे रहे आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब प्यारे दिखाई दे रहे हो, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप शुरू कीजिए। हाँ जी, मैं क्या मतलब अजी बोलनी है आज, आपकी टीम की बारी है सुरक्षा आंटी, खुलासा चौपाई जो आपने बोलनी है ना वो बोलिए। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ और एक खुलासा प्रकरण की चुपाइयों का मैं थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत प्यारी आ रही है। हाँ तो मैं बोलूं? चालू करूं? बिल्कुल बोलिए आंटी। कहा उतरते हक ने अलस्त बेरब को, कहा उतरते हक ने अलस्त बेरब को, फेर कहा अरवाहों ने, फेर कहा अरवाहों ने, वले न भूले हम। कहा उतरते हक ने अलस्त बेरब को, ए खेल है के किया आप बेसंग इत्यार, ए खेल है के किया आप बेसंग इत्यार, अरश में बैठे दिखाया, अरश में बैठे दिखाया, कोई ऐसा खेल बना। एक है उतरते हक ने रूहो, ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठ झूठ पूजते हो, रूहो ऐसा खेल दिखाऊं मैं,
जित झूठ झूठ पूजत ढूंढे आवले आखर लगे ढूंढे आवले आखर लगे तो हक न कहूं पायत कहा उतरते हक ने अलस तो बेरब कुम फेर कहा अरवाहु ने फेर कहा अरवाहु ने वाले न भूले हम कहा उतरते हक ने झूठे मोहरे जो खेल के मिल गया माहे तिन झूठे मोहरे जो खेल के मिल गया माहे तिन कबीला कर बैठिया कबीला कर बैठिया कहे ए थी हमारा वतन कहा उतरते हक ने अलस तो बेरब कुम अनहोनी ये हके करी करके ऐसे फिकर अनहोनी हके करी करके ऐसे फिकर पर्दे में झूठ दिखाया पर्दे में झूठ दिखाया में कायम बका वतन कहा उतरते हक ने अलस तो बेरब कू फेर कहा अरवाहु ने फेर कहा अरवाहु ने वाले न भूले हम कहा उतरते हक ने साचे साहेबी हक की कोई नहीं दूजा साचे साहेबी हक की कोई नहीं दूजा झूठ नकल दे खे बिना झूठ नकल दे खे बिना पावे नरश ठो कहा उतरते हक ने अलस तो बेरुब कुम फेर कहा अरवाहु ने फेर कहा अरवाहु ने वाले न भूले हम कहा उतरते हक ने अलस तो बे रब को सुंदर साहब जी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी सुरक्षा आंटी बहुत 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 सुंदर बहुत प्यारा भाव आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी एज यूजुअल आप हमेशा ब्लेसिंग इतनी सुंदर मीठी वाणी लेकर आए धनी जी की हमारे हृदय में उतारी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी आज जागनी का खुलासा ने एक बड़ी प्यारी बात की है उन्होंने प्रेजेंटेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स एक में ही कंबाइन करके कैसा वो बहुत सुंदर समा वो बांध रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर साजी दुष्यंत भैया प्रणाम जी देखिए बीच में प्रश्न आएंगे बीच में भाव आएंगे बड़ा सुंदर पिरोया है आपने ये प्रणाम प्रेम प्रणाम जी सुंदर साजी आप सभी के धाम हृदय में बैठे हुए मेरे प्रीतम प्राणनाथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और प्रवीण भाई जी को भी कोटि कोटि प्रणाम आज इतने हमारे प्रियतम के दर्शन करा दिए पन्ना धाम में आपके भी चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साहब जी अभी सुरक्षा आंटी जी ने खुलासा ग्रंथ की चौपाइयों का इतना वाणी का सुंदर गायन किया
खुलासा के विषय में हम सुंदर साथ जी सभी जानते हैं कि जब श्री जी सूरत होते हुए सिद्धपुर होते हुए मेड़ता है और मेड़ता में आके उन्होंने वो अजान की आवाज सुनी। इससे पूर्व श्री जी महामती प्राणनाथ जी अपने जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं गीता भागवत पुराण वेद इन सब पे चर्चा किया करते थे। यहां तक आया है कि यहां तक तो ईसे काइलम ने कार्य किया, चुपाई अति अभी तक में महमद कहे साथ जी यहां लो ईसा का इलम, अब महमद सो मिल चले कहो एक दीन आदम। यहां से महमद साहब की जो शक्ति थी उनका अवतरण श्री जी में हुआ और यहां से कुरान के भेद खुलने शुरू हो गए। जैसे कुरान में जो एक दीन या एक इस्लाम का जो खुलासा है वो पूर्णम परमात्मा एक अक्षरातीत कौन है उसके बातुनी भाव, ऐसे खुलासा ग्रंथ में आया है, खुलासा गिरोदीन का, खुलासा मेराज का, और जो कुरान के जो गुह्य रहस्य थे जिनको मोहम्मद साहब ने मेराज के समय राजी से जो 90,000 हरफ ग्रहण किए थे उसमें से 30,000 मोहम्मद साहब ने शरीयत के जाहिर कर दिए, 30,000 हमारे मलकी स्वरूप धनी देवचंद्र जी ने प्रकट किए परमधाम के, और 30,000 जो गुज रहस्य थे वो महामती प्राणनाथ जी ने जो जाहिर किए, उन 30,000 हरफों में से खुलासा प्रारंभ करना शुरू कर दिया श्री जी ने। तो वो उस ग्रंथ में पूरा विवरण विस्तार से है, लेकिन हमारी टीम का नाम हमें मिला सोनिया दीदी के मार्फत, उनके हृदय में राज जी ने बैठ के दिलवाया, टीम का नाम था जागनी, और फिर चांद दीदी ने हमारे ग्रुप का नाम रखा जागनी का खुलासा। तो इसके लिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, जो सबसे शुरू में श्रीमती शशि चड्ढा जी ने वो चुपाई बोल दी, अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिनी जो। तो सुंदर साथ जी अब हमें इस जागनी पे विशेष ध्यान ये देना है कि राजी ने इस जागनी की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि ये कहा है कि जिस प्रकार से सपने के सुख और जागने के सुख में जितना अंतर होता है उतना अंतर हमारी ब्रज की लीला और रास की लीला वो तो सपने के सुख के समान बताई वाणी में, और अब ये जो वर्तमान में लीला चल रही है ये जागने की लीला का इतना सुख है जैसे जागृत अवस्था में सुख को ग्रहण किया जाता है। तो ये इतनी बड़ी महिमा जागनी की और कुछ उपायों के माध्यम से जो श्री जी ने प्रकट की, कहिया न जाए सुख जागनी सत्य ठोर के सने, मेरे परमधाम जो सत्य ठोर है उसके जो सुख है वो इस जागनी अवस्था में हम ब्रह्मंगनाओं को श्री जी जो लाड़ करके दे रहे हैं ये इस मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भी कहूं जिमी माफक नेक प्रकाशु ए, तब भी इंद्रावती जी कह रही हैं इस नश्वर जगत के माफिक कालमाया के माफिक मैं कुछ शब्दों के साथ उसका वर्णन कर रही हूं। अब रहियो न जाए नेक न्यारे यो किए जागनी ले, अब जागनी का जो वर्णन है उसे किए बिना रहा नहीं जा रहा इंद्रावती जी को, अहमेव जाग्या धाम का हम इन्हें आया जे। अब पिया जी ने जो युक्ति लगा के इस जूम के माध्यम से जो हमको सबको जगा रहे हैं अब हम सब में वो अहमेव धाम का जाग गया है कि मैं प्रियतम आपकी हूं आप मेरे हो। पहले जोग माया भई रास में ताको अति उजास, योग माया में जो हम खेले ब्रज में खेले फिर योग माया में रास में खेले उसकी महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन पर साथ जोग होसी जागनी, ये सुंदर साथ के साथ होने वाली जो जागृत अवस्था में ये जो ज्ञान में जागृति वो सुखों को ग्रहण करना है, ताको कहियो ना जाए प्रकाश, उसका प्रकाश कहने में नहीं आ रहा है। यही अपनी जागनी सुंदर साथ जी जो याद आवे निज सुख, जब हमें चितवनी में वो 25 पक्ष याद आने लगेंगे वही अपनी जागनी मानी जाएगी, इश्क यही सो आवे ही और यही सो होइए सन्मुख, ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए। राजी का दुख दर्द विरह लेके जब इश्क आएगा और हम चितवनी में बैठेंगे और जब हमारी आत्मा कब जागृत मानी जाएगी, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी
जानो सोए। जब राज जी के दीदार होंगे, उनके चरण कमल हमारे हृदय में आएंगे, तब माने कि हमारी जागनी हो गई है। तो अंत में कहता हूं, इन भात केती कहूं कई खूबी बिना हिसाब। इस प्रकार इंद्रावती जी कह रही हैं कि कितनी कहूं इसकी खूबियां, जुबान में नहीं आती, वर्णन नहीं किया जा सकता। ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। अब जागनी का खुलासा लेकर, क्यों, वो क्या खुलासा है, सब सुंदर साथ को अपने साथ लेकर उनसे प्रेम करके और चितवनी में परातम को अपनी पहचान कर श्री जी के चरण हृदय में रखना, ये जागने का खुलासा है। ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। इन शब्दों के साथ सुंदर साथ जी, ये संक्षेप में थोड़ा सा जागने का खुलासा। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अब आगे, बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, और हम सब सुंदर साथ के हृदय में उत्कंठा रहती है। सुंदर साथ जी, आपने अश्रु देखे हैं सुंदर साथ की आंखों में बहते हुए, हमारे हृदय में उत्कंठा रहती है कि इन प्यारे प्यारे सुंदर साथ को हम सुन पाए। तो जब जागनी हेल्पलाइन स्टार्ट होगी ना, उसका नाम ही यही रखा जाएगा सुंदर साथ जी, तो यही प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमें सिखाया करेंगे कि किस प्रकार आगे बात करें, किस प्रकार प्राणनाथ जी का संदेश सरल शब्दों में आगे दिया जा सकता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी भैया, थैंक यू सो मच प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब सुनना सुंदर साथ जी, कानों ने अपना कितना प्यारा कार्य किया, आंखों ने कितना सुंदर कार्य किया, अब हाथ का कार्य शुरू हो रहा है। अब हैंड रेस करना है सुंदर साथ जी, क्लिक करके जल्दी से हैंड रेस करेंगे। सुरक्षा आंटी, उत्तर तो प्यारे देते ही हैं, आज सुरक्षा आंटी प्रश्न पूछने जा रहे हैं सुंदर साथ जी, और ऐसा ना हो कि उनको हमारे लिए प्रश्न बदलने पड़ जाए, तो जल्दी से अपने हैंड्स रेडी कर लीजिए। और हमने ज्यादा से ज्यादा, पहली बार सुरक्षा आंटी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सारे सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे तो बहुत खुशी होगी। हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैंने जो क्वेश्चन बनाया बहुत सीधे, बहुत सिंपल, जो कि मेरा, मैं कह रही हूँ हमारे सुंदर साथ सारे ही चक्को आता है, तो फिर भी मैंने कहा मैं पूछती हूँ, मैं या मैं गलती करती हूँ तो आप सब बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मतु मेहता जी कौन थे? ये तो कोई प्रश्न नहीं बदलना पड़ेगा आपको, सारे सुंदर साथ जल्दी से हैंड रेस कीजिए, जल्दी से सुंदर साथ जी, फास्टेस्ट फिंगर्स होती है ना हमारी सेवा, क्विक, क्योंकि दो हैंड रेस किए हैं सुषमा दीदी ने आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, मत्तु मेहता जी कौन थे? प्रणाम जी, सब साथ को प्रणाम जी। मत्तु मेहता जी सतगुरु धनी देवचंद जी के पिताजी थे। हाँ जी, बहुत सुंदर, देवचंद्र जी के पिता थे, बहुत ही सुंदर। और सुंदर साथ जी, मैक्सिमम हैंड रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया सुरक्षा आंटी ने आज, बहुत सुंदर सुरक्षा आंटी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल परफेक्ट। ये मेरी आंटी बना के मल को बोल पूछ रही है मेरे से। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, बहुत क्वेश्चन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, पिंगल श्याम जी का मंदिर कहाँ था? अरे वाह सुरक्षा आंटी, आपके प्रश्न पे सुंदर साथ को इतना विश्वास था कि हमें आता ही होगा, बबीता जी और प्रतिभा जी ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था कि आंटी ने जरूर हमारे लिए सरल बनाए होंगे। बहुत सुंदर प्रतिभा जी, पिंगल श्याम जी का मंदिर कहाँ था? दीदी, पिंगल श्याम जी का मंदिर कच्छ देश में था। सोच लो एक बार प्रतिभा जी, पिंगल श्याम, पिंगल श्याम, इसमें किरण खुराना दीदी सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी, बिल्कुल कच्छ देश में भी मंदिर था, पर स्पेशली पिंगल श्याम किनका नाम था, वो कौन सा मंदिर है? हाँ जी किरण, पिंगल श्याम जी का मंदिर उमरकोट गांव में था, जहाँ धनदेव चंद जी एक प्रहर तक परिक्रमा लगाया करते थे, लेट लेट कर दंडवत करके उमरकोट गांव में। बहुत सुंदर, ये दोनों सुषमा जी और किरण जी बहने हैं सुंदर साह जी, सोल सिस्टर्स भी हैं और मेरी बहन की लड़कियां हैं। ये देखो, मुझे पता ही नहीं था, पर उन दोनों का अनम्यूट हुआ। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी किरण जी, बहुत बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि महाराज जी की भाभी का नाम क्या था?
मैं राज ठाकुर जी की भाभी का नाम क्या था? हाँ जी, एक स्पेशल भाभी आई है सुंदर साहब जी, उनका नाम पूछ रहे हैं। भाभियां तो उनकी और भी हैं, पर एक स्पेशल विशेष भाभी जो आई है ना, है ना, अभी तक जिनका नाम आया आपने उनका बताना है। वैसे दो भाभियों का नाम आ चुका है, दोनों भी बता सकते हैं, बड़े वाले और जो गए थे महाराज ठाकुर जी के पास, शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेघदाई जी बड़ी भाभी। हाँ जी बिल्कुल सही, अजबाई जी उनकी भतीजी है। और आपको याद है वो कौन सा नाम आया था जो जिनको गोवर्धन ठाकुर जी ने भेज दिया था कि आप दर्शन करके आओ फिर मैं जाऊंगा, गोवर्धन जी जो। हाँ जी हाँ जी, बहुत क्वेश्चन, बहुत उत्तर ठीक है इसका। उन्होंने यही पूछा था, हमारे जूम में बैठती है उस नाम की सखी बैठती है हमारे जूम में। शकुंतला दीदी प से शुरू होता है, प से हमारे पन्ना जी का नाम भी उनपे जाना जाता है। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन मेरा है, अजबाई कौन थी? सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी एक मिनट, श्याम भैया, श्याम भैया आपसे मैं पूछ सकती हूँ आपको? नहीं अभी नहीं, ठीक है, हम दुष्यंत, नहीं दुष्यंत भैया से नहीं पूछना आज, बिल्कुल नहीं पूछना। तो हमें बताएंगे हमारी सविता बेन, प्रणाम जी, उन भाभी का क्या नाम है? वेरी विशेष, पद्मा जी। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर, पद्मा जी वो वाली भाभी का नाम है जो बहुत स्पेशल भाभी है। प्रणाम जी, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा चौथा क्वेश्चन बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अजबाई कौन थी? अजबाई कौन थी? अरे वाह सुंदर साहब जी, गीता दीदी मैं पूछ रही हूँ पर हैंड रेस करते रहिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, फास्टेस्ट फिंगर्स खिला रहे हो आज तो आप। गीता दीदी प्रणाम जी। ये अजबाई जो है राम जी भाई के बड़े बेटे श्याम जी की पत्नी का नाम। हाँ जी, और किसी की भतीजी। हाँ जी आप क्या बोल रहे? एक भाई की भतीजी है। हाँ जी बिल्कुल सही, मेघ भाई जी की भतीजी और इधर श्याम जी की उनकी पत्नी, बहुत सुंदर। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, गांधी भाई की बहू तो नहीं थी? गांधी भाई की बहू। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने वही कहा, श्याम जी की पत्नी मतलब गांगजी भाई की बहू भी हुई, बिल्कुल सही कहा सुरक्षा आंटी, बिल्कुल सही। गीता दीदी मैंने देखा प्रेम टीम बोलती है ना तो प्रेम टीम पे मुस्कान आ जाती है सारे सदस्यों पे, ये प्यार जो हो गया ना आपस में ये बड़ा सुंदर है। हाँ जी सुरक्षा आंटी, इसीलिए तो मैं कहती मैंने सिंपल क्वेश्चन बनवाए कि मैं पूछ भी लूं और मेरे उत्तर भी सब सबको आते हो। हाँ जी बहुत सुंदर। पांचवा क्वेश्चन है, अजबाई की बुआ कौन थी? ये लो अभी 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 बता दिया और अभी अभी फिर से पूछिए, तो सबको ही आना चाहिए, सबको आना चाहिए, तीन बार रिपीट हो चुका। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेघ भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो बुआ वो भतीजी, और इतनी मुस्कान मैंने सुंदर साथ के चेहरों पे आज तक नहीं देखी है, जितने खुश देखिए, जब इजी और सरल होता है ना तो बड़ी खुशी होती है सुंदर साहब जी, बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न सुरक्षा जी। अच्छा छठा क्वेश्चन है, सुंदर साहब को सोने की कटोरी किसने दी थी? सुंदर साहब को सोने की कंसेड़ी तफसीरी किसने दी है? किसने दी? अरे वाह ये तो इतनी बार हमने अभी तक सुनी हुई है, वृंदा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हजूर प्रणाम जी। प्रणाम, हीर भाई को श्री कृष्ण जी ने। हाँ जी, तो धनी श्री देवचंद्र जी ही कृष्ण जी के रूप में आके ये लीला किया करते हैं। वृंदा दीदी हजूर बहुत बहुत सुंदर आपके मुख से ये लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। नेपाली भाषा कितनी सुंदर है सुंदर साहब जी, हुजूर बोलते हैं ना वो तो ऐसे लगता है जैसे धनी को संबोधित कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ जी सातवां क्वेश्चन है, केशव ठाकुर कौन थे? अरे वाह सारे कौन थे, ये सभी को आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अभी तक जो नहीं बोले थे मैं तो उनको खोल रही हूँ अब सुंदर साहब जी, आज तक कम आवाज सुनी हो ना जिन सुंदर साहब, विदुर भैया, अरे वाह सारे लाइन से नेपाली प्यारी भाषा में सुंदर साहब आ रहे, शकुंतला दीदी, वृंदा जी, विदुर भैया। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा जी का पिताजी थे ना। हाँ जी बिल्कुल सही, मिहिराज जी के पिताजी इज द राइट वर्ड, प्राणनाथ जी के पिताजी नहीं, मिहिराज जी के पिताजी। बहुत सुंदर सटीक। प्रणाम जी, प्रणाम। आठवां क्वेश्चन है मेरा, खोजू भाई कौन थी? हाँ जी खोजी भाई, अभी तक प्रसंग नहीं आया पर सुंदर साथ को पता है, शांति देवी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुस्लिम जाति की थी एक सुंदर साथ, सतगुरु सतदेव चंद्र जी के समय की थी वो, उनके आत्म चिन्ह का सतगुरु रई भाई के आत्म बताए थे। हाँ जी बिल्कुल सही बात। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, उसमें प्रसंग में थोड़ा सा आया भी था इसमें कि कैसे कौन किन्नों किन्नों ने मुस्लिम्स के तन धारण किए हैं, किन्नों ने कौन से किए, रास से उनकी भूमिका निर्धारित हो गई थी। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक है, बस मेरे ये लास्ट एक क्वेश्चन था। आप सुंदर साहब ने बहुत सहयोग दिया और बहुत अच्छे उत्तर दिए, मुझे इस बात की बहुत अच्छा लगा, सिंपल सिंपल बनवाए थे। ठीक है, आपने तो इतने सुंदर प्रश्न पूछ लिए सुरक्षा आंटी, किसी ने बनवाने हो ना आगे से तो सुरक्षा आंटी के पास चले जाना, इतने सरल और सुंदर प्रश्न बनाए हैं आपने। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, वाणी गायन मीठा करता हुआ सुंदर साथ और मीठे प्रश्न पूछता हुआ सुंदर साथ, के चेहरों पे मुस्कान बिखेरता हुआ सुंदर साथ बड़ा प्यारा लगता है। प्रणाम जी, और अब सुंदर साथ जी आ रही हैं, रेडी हो जाइएगा, जरा हाथों को अपने ऐसे कर लीजिए वार्म अप, क्योंकि चांद कमल आंटी पूछ रहे हैं अब हमसे प्रश्न। आज तक तो वो प्यारे प्यारे आशीर्वाद देते हैं, आज वो प्रश्न पूछेंगे। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं प्यारी चांद कमल आंटी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बस ऐसे ही राजी महाराज सबको हिम्मत देते रहे, और प्रश्न तो हम क्या पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, हमारी इतनी तो हिम्मत नहीं है, राजी ने जो सेवा दी है बस उसको करने का प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी। छोटे छोटे से प्रश्न है, सुरक्षा बहन जी की तरह ही बिल्कुल छोटे छोटे से। तो सुंदर साथ जी, पहला तो प्रश्न ये है, कौन हमारी वकील बनकर रहती है? कौन हमारी वकील बनकर रहती है? This is called नम्रता सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं डाउन टू अर्थ होना। आता तो बहुत कुछ है पर सुंदर साथ का टेस्ट नहीं लेना, उनको रिवीजन करानी, उनके हृदय में क्या रिवाइज करा रहे हैं, प्रेम रिवाइज करा रहे हैं। ये तो प्रेम की रिवीजन तो रोज ही होती रहे ना, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अरे वाह, नीलम श्रीधर दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती, श्री इंद्रावती हमारे वकील बन के चलते हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, नन अदर देन श्री इंद्रावती जी। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न और अति सुंदर। प्रणाम। तो सुंदर सर जी आपके चरणों में प्रणाम, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। और दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद जी किन के ऊपर बार बार रीझ रीझ जाते हैं? श्री देवचंद जी किन के ऊपर बार बार रीझ रीझ जाते हैं? हम तो ये कह सकते हैं हमारे धाम धनी किनके ऊपर रीच रीच जाते। अरे वाह, जाते थे और आज भी जाते आज हैं, भी जाते हैं। कौन से ऐसे सुंदर साथ हैं जिन पे रीच रीच जाते हैं? वो सुंदर साथ स्वयं हाथ खड़ा कर रहे हो तो फिर उनसे क्यों ना पूछा जाए। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। सब मेरे प्यारे लाडले रस दिल तकियाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो थे हमारे गांगजी भाई, सभी सुंदर साथ थे लेकिन गांगजी भाई की सेवा को देखकर धनी बार बार उस पर रीझ जाते थे। बिल्कुल, और प्रफुल्ला बेन और किन पे स्पेशल रीझ जाते थे? कोई नया? आज भी रीझ जाते, आज भी रीझ नया नया सुंदर साथ आते थे ना, तो उसको देखकर तो वो बहुत बहुत रीझ जाते थे, और उसके मुख पर तो जो नूर आता था ना उसका तो वर्णन ही नहीं हो पाता है। अरे आज भी हमारे जुम्मे पे नए नए सुंदर साथ आते हैं ना, तो हम तो उस पर वारी वारी जाते हैं और उसकी मीठी मीठी बानी सुनकर हम भी रीझ जाते हैं, जैसे हमारे धनी रीझते थे ना, इसी तरह हमें भी इतना ही आनंद आता है हमारे जुम्मे नए नए सुंदर साथ आते हैं और वो बोलते हैं ना, तो उसकी मीठी बानी जैसे मेरे प्रियतम ही बोल रहे है, ऐसे लगता है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, प्रफुल्ला बेन का वीडियो आ चुका है, श्रीनिवास अंकल का आने वाला है, सब रेडी भी हो जाइएगा शेयर करने के लिए। अति सुंदर प्रश्न और उत्तर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन आपने आंसर दिया।
तो जो जागनी का खुलासा करने वाले सुंदर साथ होते हैं ना, जो लोगों को लेकर के अपने साथ आते हैं नए नए सुंदर साथ पर, उन पर भी धनी हमारे बहुत रीझ रीझ जाते हैं, जैसे आपके ऊपर भी रीझ रीझ जाते हैं। बहुत प्यारा आंसर दिया सुंदर साथ जी आपने। अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, किसने श्री जी की सेवा न करने वाली अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था? किसने श्री जी की सेवा का भाव न रखने वाली अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था सुंदर साथ जी? हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। गांव जी भाई ने अपनी पत्नी जो इनका नाम भांजी भाई था, उनको जो पूछ कर सेवा करती थी, उनको छोड़ दिया था जबकि वो मायके गई और उनको कभी नहीं लेकर के आए। बहुत सुंदर नीलम दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी, आज ना जागनी टीम से हमने सीखना है कि प्रश्न कितने सरल और कितने प्यारे होने चाहिए। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, चुगलखोरों का हाल देखकर या उनका हाल सुन करके हमें क्या शिक्षा मिलती है? चुगलखोरों का हाल हुआ था जो दीपक के पीछे पीछे चलता रहता है, कुएं के चारों तरफ घूमता रहता है, तो उनका ये हाल देखकर हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी? ये शायद हमने कल परसों ही डिस्कस किया था इस बार सुंदर साथ जी। बिल्कुल, और सुंदर साथ जी अपने अंदर से माने या ना माने, दिल माने या ना माने, कहीं ना कहीं तो वो छुपे हुए हैं हमारे अंदर, कहीं ना कहीं। इस सुंदर साथ की उससे, उस सुंदर साथ की इससे, छोटा सा भी उनका पार्ट अगर छुपा हुआ है ना, तो उसको निकाल कर बाहर फेंकने का प्रण तो कर लिया है ना उनका हाल देखकर, नहीं तो इसी प्रकार 400 साल से कुएं के आसपास घूमते जा रहे हैं, हम भी जा तो नहीं पा रहे धनी जी के पास, तो ये भी बाहर निकालना है। अति सुंदर मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चुगलखोरी करता है तो वो तो कभी माया से बाहर निकलने का ही नहीं, वो माया में ही डूबा रहेगा, उसको कभी भी राज्य के श्री चरण कमल प्राप्त नहीं हो सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साक्षी, तो हमें ये भी विदुर भाई शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद पर अपना पहले जब तक यकीन ना हो किसी की बातों में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी शिक्षा हमें मिलती है सुंदर साक्षी। तो सुंदर साक्षी, एक और ऐसा ही प्रश्न है, जो सिपाही श्री देवचंद जी के घर में जलता हुआ दीपक देख कर उनके पीछे पीछे 12 कोस तक चला गया था, वो कहाँ पहुंच गया था? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ मुख से बोलकर भी बताते जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा। शांता जैन जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी, वो घरोल पहुंच गया था मोहम्मद जी के। अरे वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ। अरे वाह, उन सुंदर साथ जी, ये वो सखी है जो अभी कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, पर सेवा में नंबर 1 ले गई है वो। इतना सुंदर उन्होंने कमान संभाली है ना, कल मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। तो एक चीज पूछी थी उन्होंने, धरोल भी बता दिया, मोहबड़ जी का गांव भी बता दिया, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, एक प्रश्न ना थोड़ा सिंधी से भी रिलेटेड है, एक सिक्का तो ही जे सुख में, एक सिक्का तो ही जी सुख में, शीन रावती जी किस सुख में सिक रही थी और हम किस सुख के लिए सिक रहे हैं? शीन रावती जी किस सुख के लिए सिक रही थी और हम किस सुख के लिए सिक रहे हैं? सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टीम ने साथ में सिंधी को भी इनकलकेट किया, साथ में उनको लेकर बहुत सुंदर। आगे आने वाले सुंदर साथ भी श्री सिंधी को भी समेट लीजिएगा, साथ में ही सुगंध लेकर प्रश्न बनाए, इसीलिए सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो नीरू जी, नीरू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्री क्वेश्चन इंद्रावती जी बोला था या प्राणनाथ जी, मैंने सुना वो सीख रहे थे, प्राणनाथ सीख रहे थे,
अपने परम धाम के दर्शन के लिए और राजी महाराज के दर्शन के लिए सीख रहे थे कि हम मुझे अपना मूल तन दिखाई दे, अपना घर निज घर के लिए, और हम भी हम सब सुंदर साथ भी इसी के लिए ही प्रयासरत हैं कि वाणी चितवनी हम इसीलिए करें कि हमें श्री राजी अपने राजी महाराज की के दर्शन प्राप्त हो आत्मदृष्टि से, और हमारा अंदर खुले, जागृत बुद्धि मिले, निज बुद्धि मिले, और हम अपने परात्म का दर्शन प्राप्त कर सके। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और विचार लेते हैं अनीता दीदी से भी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि आप जैसे मुझे तड़पाओगे मैं वैसे तड़पूंगी। मीरे और प्रेम रस में वो इतना डूबी हुई हैं कि उनको और कोई सुध नहीं है, और सिर्फ श्री राजी और श्री धनी जी के ही प्रेम में वो तड़प रही हैं। और हम कहाँ तड़प रहे हैं वो तो सबको पता ही है। हम प्रयासरत हैं तड़पने के लिए, सोनिया जी के थ्रू हम जागनी यात्रा पर चल तो पड़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है और माया में ही तड़प रहे हैं। हम सबको ये पता है कि हम सब माया में हैं अभी, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी भी। इंद्रावती जी हमारा हाथ थाम चुकी हैं और हम भी उस पथ पे आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सुंदर तरीका जी, बहुत ही प्यारा आंसर था, बिल्कुल हृदय द्रवित हो गया। सुंदर सा जी, एक बड़ा प्यारा सा भजन मुझे बहुत ही प्रिय है, किरंतन ये फेरा सफल हो जाए, धनी जी मेरी ऐसे रखो कि मेरा ये फेरा सफल हो जाए। तो ये फेरा सफल कैसे होगा सुंदर साची? हाँ जी, ये फेरा सफल कैसे होगा सुंदर साची? हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साची को प्रणाम। चांदी की कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। आपने प्रश्न पूछा, मैं तो गाना शुरू कर दिया, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन ये इतना प्यारा किरंतन है। श्री इंद्रावती सखी धाम धनी हमें समझा रही है कि अब हमें अपना फेरा सफल करना है। कैसे करना है हम सब जान चुके हैं। धनी जी के चरणों में ऐसा दिल लगाना, ऐसा दिल लगाना माया 100% छूट जाए। हर टाइम पिया जी की शोभा श्रृंगार दिखाई देती रहे। चितवन में बैठना तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के बाद जैसे जैसे हम इस प्रोसेस में चलते जाएंगे, वाणी मंथन चितवन रहने सब करते जाएंगे सुंदर साथ जी, तो धनी एक दिन ऐसा लाएंगे, ला रहे हैं धीरे धीरे इन जूम के माध्यम से अपनी मेहर से, कि अब हमें राज्य के बिना और कुछ अच्छा ना लगे। धनी 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 का प्रेम, बस धनी का प्रेम, सुंदर साथ का प्रेम, जो भी धनी की शोभा श्रृंगार, जैसे हम कुछ भी दिमाग से माया के काम से हटे और कुछ ना दिल में चलता हो, बस अपनी पर आत्म मिलावा राजी शमा जी। जब ऐसा हो जाएगा तब फेरा सफल, फेरा सफल में जहाँ बैठे हैं वहीं उठ जाएंगे। इस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आंसर तो इतना ही है, लेकिन सुंदर साथ जी जरा सा ऐड कर दो अगर इजाजत हो समय की। मैंने ना एक बार जो पुराने किरंतन है श्री महाराज जी के नाम से, उनमें पढ़ा और मुझे इतना छू गया। उसमें वो कहते हैं कि अगर हम अपना फेरा सफल होने के लिए नहीं सोच रहे ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीव को दोबारा 84 लाख योनियों में भटकाने का मतलब कि हम इस जीव की 84 लाख बार हत्या कर रहे हैं। मुझे इतना अंदर तक छुआ ना, मैं बता नहीं सकती है। मतलब हमारा जीव, क्योंकि अब आत्म बैठी है, आत्म अपने रास्ते पे चल के इतना तो कर ले कि इस जीव को पार कर दो, ताकि इस जीव को दोबारा जन्म ना लेना पड़े, वरना उस हत्या का पाप भी हम पर लगेगा। क्योंकि वो पुराने किरंतन साधु संतों के लिए तो उन्होंने उस भाव से समझाया है, तो मुझे बोलते बोलते वो याद आ गया, बोलने की जरूरत नहीं थी। आपके प्रश्न का उत्तर तो छोटा सा ही बनता था। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपने पूरा ही खोल के रख दिया, धनी जी के लागू पाए तभी मेरा फेरा सफल। बहुत ही प्यारा आंसर आपका सुंदर सा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, एक छोटा सा। कौन सी हमारी बहुत प्यारी सखी बार बार हमसे ये कहती है, आप अपनी चरण रज समझकर मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करते जाइएगा, ऐसी हमारी कौन सी सखी हमसे बार बार ऐसा ही कहती है सुंदर सा जी? प्रणाम
प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी सुंदरकांत जी। ऐसी सखी जो बार बार कहती है मेरी त्रुटियों को क्षमा करते रहना, और ऐसी तो एक ही है जिन्होंने जिन्होंने हम सबका रूहों का हाथ एक दूसरे से थमा दिया है, जिनके हृदय में राजी स्वयं बैठ के ये सब करा रहे हैं। अन्यथा इस जगत में किसी का भी बल नहीं है ऐसा प्रेम लुटाने के लिए, राज्य का पूर बहाने के लिए हमारी सोनिया दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो हम सब ने ये नम्रता उन्हीं से पानी है सुंदर साथ जी। जितने नम्र सतगुरु है ना उनका एक अंश हमने वहां से पाना है, तो वही पाने की कोशिश में प्रयास में हम सब हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो जागनी का खुलासा मेरी तरफ से राजी ने जो भी चरणों में रखा बस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मेरे बाद दुष्यंत भाई पूछेंगे प्रश्न। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया हमेशा उत्तर ही देते रहते हैं, तो आज उनके प्रश्नों पे यदि हम हाथ खड़ा ना करें तो कैसा लगेगा। सारे सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे और बताएंगे कि हमें कितना अच्छा लगता है जब वो उत्तर देते हैं। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, ये प्रश्न नहीं है सुंदर साथ जी, एक रिविजन है। मैं तो रिविजन भी क्या कहूंगा, एक रामत है जो राज्य की इच्छा से हो रही है। और आपके संगत में जब से मैं आया हूँ तब से मुझे एक दो शब्द मिले हैं, इसको रामत समझ के खेलते हैं। तो पहला जो हमारी बीतक जहां से प्रारंभ होती है वहां चलते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। व्यास जी के अनुसार चारों युगों में कितने कितने मुख्य राजा हुए हैं जो उन्होंने वर्णन किया है, सतयुग में, त्रेता द्वापर और कलयुग में। अगर चौपाई भी दे दें तो बहुत सुंदर, अन्यथा ऐसे ही बता दें। हाँ जी, इनके लिए हम चलते हैं राधिका बिटिया के पास। और सुंदर साथ जी मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ कैपेसिटी पूरी हो चुकी थी, दो सुंदर साथ की जगह बन चुकी है। सुंदर साथ जी यूट्यूब पे उत्तर देते जा रहे, सुनीता भगत दीदी, कुसुम त्यागी जी, मैं धीरे धीरे उनके नाम बीच में लेती रहूंगी। अति सुंदर। हाँ जी राधिका बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रेता में सात और 21 और कलयुग में 20 हुए हैं और एक में 36 हुए। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, उतने राजा हुए तो जरूर होंगे जो आपके हृदय से निकला। बीतक साहब में कैसे लिखे गए उनके लिए हम सहयोगिता भी निभाएंगे। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। जी सुंदर साहब जी। और त्रेता में 29, और कलयुग में 20। हाँ जी सतयुग के एक बार फिर बता दीजिए, आवाज कटी। सतयुग में 17 राजा। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर सुनीता जी। अब कहो 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। ये छुपाई है आपने, बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी। दूसरा है जी, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक। इसमें अब कहो फेर के से क्या तात्पर्य है, क्या इससे पहले कहीं लालदास जी ने पहले भी बीतक कही है, मतलब फेर के का क्या तात्पर्य है। लालदास जी ने, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, लालदास जी के हृदय में बैठ के राजी ने क्या इससे पहले भी कहीं बीतक कही है। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फेर की बीतक यानी पहले ये बीतक तो हो गई धनी के साथ, जब से सूरत से निकले और पन्ना जी पहुंचे तब की तो बीतक उनके साथ हुई, फिर बाद में लिखी गई, इसीलिए फेर की बीतक। प्रणाम जी।
हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर। और अनिल भाई, मूल मिलावे की बीतक भी लिखा है इसमें, मूल मिला, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, तो वो मूल मिलावा इसमें क्यों लिखा गया, ये भी साथ में, ये आपने बहुत सुंदर बताया है। हाँ जी, क्योंकि हमने मांग वहां ही की, क्योंकि हमने जो खेल देखना था वो परम धाम से ही हमने मांग की कि हमें ये दुख का खेल देखना है, ये संसार क्या है, अक्सर ब्रह्म क्या खेल बनाते हैं, वो देखना है, यानी मूल बीतक वहां से शुरू हुई, धनी के दिल से। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, ज्योति संजेल जी के शब्दों में भी यही प्यारा उत्तर सुनेंगे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अनिल भाई, प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मैं भी यही अनिल भैया ने अभी जो बताए वही बोलना चाहती थी। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, उससे पहले हमारे राजी श्यामा जी के साथ हम सखियां जो अष्टप्रहर लीला करती थी वो सब तो एक्सप्लेन हो गया, तो कैसे राज्य के दिल में हमको खेल दिखाने की वो बात आए, पहले राज्य के दिल में ऐसे कैसे आए, और हम कैसे संसार में आने का जो कड़ी बना, जो अक्षर ब्रह्म को देखना जो बना, उसको एक्सप्लेन करते हुए अब कहूँ फेरे के मूल मिलावे की बीतक, जहाँ जिस मूल मिलावे में बैठ के राज्य ने हमको ये सब खेल दिखाने का वो उनके दिल में लिया, ये सब सबको दिखाने के लिए वो चौपाई लालदास जी ने यहाँ पे रखी है राज्य की कृपा से। मुझे इतना ज्यादा, मैं हिंदी में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सॉरी सुंदर साजी, जितना बोलना चाहती थी, तो यही है मेरे दिल में, यही भाव है ये कि जो कुछ भी अष्टप्रहर लीला में हम राज्य श्यामा जी के साथ होता था, इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे लालदास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति जी, कहीं ऐसा तो नहीं मूल मिलावे की बीतक कहीं और लिख दी गई थी ऑलरेडी, अब कहते अब कहूं फेर के, फिर से कह देता हूँ, एक बार कह दी है उन्होंने कहीं पे कह दी हुई है वैसे, वो कहीं और उन्होंने कह दी है वो बीतक ब्रज की रास, मूल मिलावे की भी, मूल मिलावे में जो जो हुआ था वो कहीं लिख दिया हुआ था बीतक से पहले, लिख दिया हो कहीं पे, फेर के कह रहे हैं आप सुंदर साथ जी, वो भी साथ में, ये जो आपने बताया वो बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, दुष्यंत भैया, आप यहाँ तक करेक्ट है या उसके आगे भी जाना है? यहाँ तक करेक्ट है, बस जो आप पूछ रहे थे प्रश्न आपने फिर से स्पष्ट करके पूछ लिया, वहां पे जाना है कि जो जो आपने पूछा। हाँ जी, तो हमें बताएंगे कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे। सुंदर साथ जी, आइए सुषमा दीदी से पूछते हैं। रुकिए सुषमा दीदी, आप उत्तर देते रहते हैं, अल्पेश पटेल जी ने पहली बार हाथ खड़ा किया। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। सुंदर सर जी, जो ये प्रश्न है ना कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, क्योंकि जो बीतक लिखने से पहले वाणी का अवतरण हुआ था, तो महामती जी ने वाणी में ही वो बात पहले ही बता दी है। प्रणाम जी। अरे वाह, अल्पेश, अल्प शब्द यूज किए पर बिल्कुल सटीक उत्तर आपने दे दिया अल्पेश भाई, अति सुंदर। प्रणाम जी, परफेक्ट, बहुत सुंदर जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। अभी जो दीदी सबसे पहले वाणी गायन में छुपाई आई थी ना, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथे घर की, या में इन चारों का भोग। यानी इस जागनी लीला में कौन सी चार लीलाओं का भोग है, किन लीलाओं की बात कही जा रही है? अरे वाह, इसमें तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए, उनमें से तो दो लीलाएं तो बड़ी सुंदर हम सुंदर साथ जी ने राम से कर करके देखी हैं। और हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हैंड रेज्ड होने चाहिए बहुत सारे। और अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी, आज बहुत खुशी हो रही है सुंदर साथ जी सबके हाथ खड़े देखकर। ब्रज के, रास के, और धनी देवचंद महाराज जी की, और ये क्या नाम है, जागनी लीला, जागनी की, धनी श्री देवचंद्र जी में जागनी पूरी उसमें आ जाती है, चौथा पांचवा छठा दिन सारा ही आ जाता है। और क्या बच्चा, कौन सी और क्या देख सकते हैं हम यहाँ चितवन में बैठ के? परम धाम की लीला। बिल्कुल सही, तो ब्रज, रास, जागनी और परम धाम, बहुत सुंदर, ये चारों का यामे भोग। प्रणाम जी, अति सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर दिया जी। दीदी, वो मैंने एक शेर के लिए भेजा था। हाँ जी, मैं अभी कर रही हूँ, मैंने खोल के रखा है भैया।
जी जी हाँ जी सुंदर साहब जी, तो ये प्रश्न है, आप ही बोल के बताइए। हाँ जी दुष्यंत भैया, आप ही बोलकर बताइए। ओ आपका म्यूट हो गया शायद, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साहब जी। सुंदर साहब जी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चौपाई, इतने में आए गया होए गई मुलाकात, देखत ही दहशत भई वह कहने लगा बात। ये प्रसंग धनी देवचंद्र जी जब जा रहे थे रेगिस्तान में बरात के पीछे, सिपाही स्वरूप श्री राजी ने श्री देवचंद्र जी से सबसे पहले क्या कहा, उत्तर के लिए इस चौपाई को पूर्ण कीजिए। चौपाई है मुख से आए वचन कहे डैश डैश डैश, मुंह मुदा दहशत से कछु न आया विचार। तो सबसे पहले सिपाही स्वरूप राजी ने देवचंद्र जी से क्या कहा? इस चौपाई का एक चरण पूरा करना है सुंदर साहब जी। मुख से आए वचन कहे डैश डैश डैश, तीन शब्दों का ये चरण है। मुंह मुदा दहशत से धनी जी का कछु ना आया विचार। अरे वाह बहुत सुंदर, सुनीता दीदी ने जैसे ही सुना YouTube में दो की जगह, और आपका आपकी जरूरत थी यहाँ सुनीता दीदी ये उत्तर देने के लिए, आप ही चाहिए थे तो वो आ चुके हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुख से आए वचन कहे कहे छोड़ो तरवार, कहे छोड़ो तलवार है ना या कुछ और है दुष्यंत भैया? तीन तीन शब्द हैं दीदी, छोड़ो तलवार ठीक है, एक और है बस बीच अच्छा, में छोड़ो तलवार ठीक है, एक एक शब्द और है बस होगी पूर्ण। अच्छा, कमर कमर तलवार सच में ठीक है बहुत कमर तलवार जी, छोड़ो कमर तलवार ये देखिए ये उत्तर मैं आज ये पहले बनाने लगी थी एक सजाकर, पर मुझे लगा नहीं जो ओरिजिनल हैंड राइटिंग में जो हाथों के जो दिल के भाव होते हैं ना उसको ढक लेता है, इसलिए मैंने बनाई नहीं। ये भैया ने उत्तर भी लिखकर भेजा था, छोड़ो कमर तलवार। अति सुंदर, आपके हृदय की तरह आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है भैया। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साहब जी एक लाइन है बीतक साहब की, जब वह बरस अग्यारवा तब मन उपजो विचार। किसके मन में विचार और क्या विचार उपजा? जब 11 वर्ष के वो हुए, जब वह बरस अग्यारवा तब मन उपजो विचार, किसके मन में और क्या विचार उपजे? हाँ जी किसके मन में क्या विचार उपजे सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर साथ जिनकी आवाज ना सुनियो तो और ही आनंद आ जाएगा इनका उत्तर लेने में, या फिर जो जनरली हैंड रेज नहीं होता है। कौशिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फोन कहाँ से आए? आती है आवाज? धनी श्री के मन में भी था 11 वर्ष की उम्र में, मैं कौन कहाँ से आया हो, कहा है मेरो भरथार। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। आत्मा के मालिक कौन है? बिल्कुल बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी। देवचंद्र जी के मन में मैं कौन कहा? हाँ जी बिल्कुल सही, उनका नेट थोड़ा वीक चल रहा है पर हम तक तो बात पहुंच गई हृदय की, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी अगला प्रश्न है सुंदर साहब जी, धनी देवचंद्र जी की अलौकिक चर्चा का संदेश अजबाई जी से मेहरराज जी तक कैसे पहुंचा, वो कड़ी कौन कौन से बने, अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले। ये तो मेरा फेवरेट प्रश्न है सुंदर साहब जी, क्योंकि वो कड़ी कौन कौन बना, वो कड़ी बहुत सुंदर है। वेरी गुड, बहुत प्यारा प्रश्न। किस किस ने उसका रोल निभाया जो हमें भी निभाना है सुंदर साहब जी। वेरी गुड। हाँ जी मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब मैं अजबाई थी, मेघ बाई जी के घर आती है
सब उनसे उसकी चर्चा कर जो वार्तालाप करती है और ये वार्तालाप कर कर वो अजबाई जाती है और फिर मेघबाई जी बोलो कहती है गोवर्धन भाई से कि आप वहाँ चर्चा सुन के आओ। तब गोवर्धन जी भाई कहते कि आज मेरे पास बहुत काम है तो मैं आज नहीं जा सकता, आज मैं मेरी पत्नी में बोले पद्माबाई को मैं उसको वहाँ छोड़ आऊंगा। तब वो पद्माबाई जी वहाँ चर्चा अवलोक चर्चा सुनकर आती है, तब वो चर्चा का पूरा वार्तालाप गोवर्धन भाई से कहती है और गोवर्धन भाई फिर दूसरे दिन वो चर्चा सुनने जाते हैं और वहाँ कृष्ण लीला रास लीला योग माया का दर्शन करते हैं। पद्मा भाई कृष्ण लीला का जो माखन चोरते है वो लीला का दर्शन करते हैं साक्षात। ये बात का वार्तालाप हुई बहुत सुंदर अति सुंदर। और एक मैं रिक्वेस्ट भी साथ में करना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जो हमारा सीरियल बना है ना वो एंटरटेनमेंट पर्पस भी उसमें साथ में है ताकि पूरी पब्लिक को भी समझ में आ पाए। तो जो मूल बात लिखी हुई है ना वो श्री बीतक साहब में लिखी हुई है, तो हमारे जो गोवर्धन भाई है ना वो गए नहीं उनको छोड़ने के लिए, ऐसा बीतक साहब में नहीं, क्योंकि वो जब गए तो उनके हो ही गए उसके बाद, वो उसके बाद तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको छोड़ने वो गए हों फिर वापिस आ गए हों। तो श्री बीतक साहब को फॉलो करना है बिल्कुल ऐसे अक्षरशः, पर बिल्कुल बहुत सुंदर सीरियल का निर्माण हुआ, उससे जागनी बहुत हुई आगे, पर उसमें कुछ कुछ घटनाएं ऐसी लिखी गई हैं जो श्री बीतक साहब में वैसी नहीं बताई गई। तो हम सुंदर साथ जो ऑलरेडी सुंदर साथ हैं वो श्री बीतक साहब पढ़ेंगे और जो नए हैं उनको सीरियल देखकर बहुत प्रेरणा मिलेगी, फिर जब वो श्री मुखवाणी पढ़ेंगे बीतक साहब पढ़ेंगे तो अंदर अपने आप ही सारी घटनाएं क्लियर हो जाएंगी। बहुत सुंदर, मैंने देखा सुंदर साथ जी तीन स्त्रियों का इसमें भाग रहा पर लेकर पुरुष सुंदर साथ ही गए उनको, तो बड़ा प्यारा राजी ने इसमें ये दिखाया, अति सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी 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 सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी हरिदास जी की सोहबत में संजा से यानी शाम 6 बजे से कितना सोहबत में रहते थे, कितना घर रहते थे, उन्होंने सेवा में अपने को कितना झोंक दिया था। शाम 6 बजे के बाद से धनी देवचंद्र जी हरिदास जी की सोहबत में कितने समय तक रहते, कितने समय घर रहते। हां जी बहुत ही सुंदर प्रश्न है सुंदर साथ जी, ये अति सुंदर। भावना दीदी आपकी मुस्कान बता रही है कि मैंने बताना है इसका उत्तर। प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, शनि धनी श्री देवचंद्र जी शाम को 6 से 9 बजे 9 से 12 बजे तक मंदिर में ही रहते, सेवा करते थे और परिक्रमा देते थे और 12 से 3 8 पहर वो अपने घर पे जाते थे और 3 बजे स्नान और से निवृत्त होते वो वापस मंदिर में आ सकते थे। प्रेम प्रणाम जी, बिल्कुल सही और सुंदर जी दीदी। सुंदर साहब जी उस पहर में भी जब घर जाते थे तब भी स्नान वगैरह करके पहुंच जाते थे, देखो उस पहर में भी क्या क्या करते होंगे घर में। बहुत सुंदर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अंतिम प्रश्न बहुत छोटा सा कि जब मिलाप हुआ धनी देवचंद्र जी से मिहिरराज जी का तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, या सम्मत बता दें कौन सा सम्मत था। कल ही सोनिया दीदी ने ये बताया बीतक में, वो तो बहुत प्यारा दिन था सुंदर साथ जी, कितने वर्ष के थे और कौन सा संवत था, वर्ष पता हो या संवत पता हो दूसरा तो पता लग ही जाएगा। वेरी गुड, हाँ जी अति सुंदर, सबके हाथ इस पे खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी। रानी दीदी प्रणाम जी, 1687 में था उनका मिलन हुआ था। और क्या क्वेश्चन है आगे, और क्या बताना है, कितने साल के थे तब, वो कितनी आयु थी उनकी। उनकी 12 वर्ष की उम्र थी, 12 वर्ष की आयु थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी। सुंदर साथ जी सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, आपके बहुत बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत आपका आभार जी। दीदी नेक्स्ट सुंदर साथ लेंगे अब आगे। हाँ जी प्रणाम जी, देखा सुंदर साथ जी जिनको इतना ज्ञान है सुंदर साथ जी को, कितने प्यारे छोटे छोटे सरल सरल
प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने यहाँ ये नहीं बताना कि हमें कितना आता है, बल्कि हमें ये देखना है कि हमें रिवीजन कराने के पर्पस से अति सुंदर आज जागनी की टीम ने ये एग्जाम्पल सेट किया है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, अब चलते हैं मेघा बेन, उनके मुख से तो हमने कभी कुछ सुना ही नहीं, तो नए सुंदर साथ के मुख से जब सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा, उनके उत्तर जरूर देंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मेघा बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आयु हमारो दीदी? बिल्कुल बहुत सरस आयु। गुजराती में चालशे ने? हाँ चालशे दौड़शे। सुंदर साथ, तमारा चरणों में मारा कोटी कोटी प्रणाम, कि आजे एटलो आनंद एटलो प्रेम, कि आजे धाम धणीए मने घरे बैठा बैठा परम धाम ना दर्शन करायवा, तमारा बधाई ना, तमारी बधाई नी रोहू ना दर्शन मने थिया, कि आजे परम धाम थी तो आपड़े लग गया छे, केटला वर्ष थी गया, पण आजे तन थी ना आपड़े ओळख छे, पण आजे खरे खरे दिल थी रोहू ना दर्शन धणी जे करायवा, के जो आ रोहो तारा धाम नी छे, तारा चरणों मां रेवा वाली छे, तो एकुका रोहू ना मुखारविंद थी जे प्रेम ना शब्दों छे ई पण तारा ज छे, ई कोई तारा थी अलग नथी, तो आजे धामना धणी केटलो सुख आपी रिया छे, केटलो आनंद आपी रिया छे, कोना द्वारा? तो के ब्रह्मवाणी द्वारा आपी रिया छे ने, तो आजे धामना धणी आपने जे शोभा आपी छे, जे कार्य करवानुं छे ई आजे आपणे दिलथी करवानुं छे, तन मन अने धन ई सेवानी अंदर कोई एटलो कोई उणप न आववी जोई, कि आजे मने मारा धणीजीए सेवा सोंपी छे तो मारे जरूर करवी छे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मारो पहलो प्रश्न छे, श्री मिहिराज जी में कौन सा पवित्र जीव था? मिहिराज जी मा सुजीव छे। कौन सा पवित्र, केम पवित्र जीव? अरे वाह, थोड़ा थोड़ा आने लगा है। पद्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राजा मरु का? हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर राजा मरु का, अति पवित्र जीव, अति सुंदर तपस्वी जीव। हाँ जी बीजो प्रश्न छे, के मिहिराज जी में किसकी आत्मा थी, कौन सी आत्मा छे? किसकी आत्मा थी सुंदर साहब जी? मिहिराज जी में किनकी आत्मा थी? और आप जब गुजराती बोल रहे थे ना सुंदर साथ, के चेहरे इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी मीठी भाषा, बहुत सुंदर। तिलक नाम से सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने वो म्यूट तो कराई। हाँ जी हो गया अनम्यूट, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट हो गया। इंद्रावती की? अरे वाह बहुत सुंदर, आपके दर्शन हो पाए तो और भी अच्छा लगेगा, यदि कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर, तिलक नाम ही कितना सुंदर है सुंदर साहब जी, वाणी में भी आए हैं अति सुंदर, और आज आपने उत्तर दिया, बहुत खुशी हुई। जागनी टीम बधाई की पात्र है कि ऐसे नए नए सुंदर साथ आज उत्तर दे रहे हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी। दीदी आपको रोज सुनता हूँ, बस बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो आज जागनी टीम ने वो हिम्मत पैदा की है अपने प्रश्नों से, राजी ने बल दिया है, तो आपके चरणों में तिलक जी खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को बहुत हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी आप कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर से, अरे वाह बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, मिहिराज जी में कौन सी पांच शक्ति विराजमान छे? अरे वाह ये तो मुझे लगता है ऑल सुंदर साथ जी, दो सुंदर साथ के लिए जगह बन चुकी है, यूट्यूब से आना चाहे जो आना चाहे वो इस कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं यदि आप चाहें, ऐसे ही आश्रम में जाएं, कमरे में जगह है तो क्यों ना सुंदर साथ को इनवाइट करें, क्या अनकंफर्टेबल हो जाएगा सुंदर साथ जी, चार पांच दिन वहां रहना है, क्या सुविधा कम हो जाएगी यदि सारे सुंदर साथ को कमरों में समेट लिया जाए, तो जरूर जगह दीजिए, दिल में जगह दीजिए सुंदर साथ जी को, कोई ना रह जाए,
जो बाहर सो रहा हो या जो ठंड में हो या गर्मी में हो, तो किसी सुंदर साथ को असुविधा ना होने दीजिए। हाँ जी रसीला बेन, प्रणाम जी, पांच शक्तियां। प्रणाम जी, राजी का जोश आवेश आत्म दुल्हीन नूर बुद्ध मूल हुकम। प्रणाम जी, हुकम में तो आवेश आ गया है, आप आवेश तो आ गया उनमें, हुकम में आवेश आ गया उनका, तो आपने बता दी है, बता दी है आपने। कमलेश भाई हाथ में हाथ आपके डालेंगे, सहयोगिता निभाएंगे, बहुत सुंदर। प्रणाम जी कमलेश भाई। राज जी का आवेश, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है। राज जी का आवेश अक्षभ्रम की आत्म थी, श्यामा जी की आत्म थी, और जबराइल और असराफिल। अरे वाह वेरी गुड, राजी श्यामा जी अक्षरब्रह्म जबराइल असराफिल, अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी आपके चरणों में प्रणाम जी। चौथो प्रश्न छे, प्रेम का रंग कौन सा होता छे? अरे वाह, ये तो प्रश्न ने दिल ही ले लिया सुंदर साथ जी। प्रेम को रंग सोचे, प्रेम का रंग क्या होता है, उसी में तो रंगना है उस रंग रेस को। इसमें पूरे हाथ ना खड़े होना तो हमने कुछ लिया ही नहीं सुंदर साथ। तो बाद में पहले रंग तो पता हो इस रंग का होता है। सुंदर साथ जी गलती से यदि मुझसे म्यूट भाग रहे हैं ना सारे सुंदर साथ स्क्रीन पे, तो हो सकता है हो जाए, तो आप अपने आप म्यूट करते जाइएगा यदि मुझसे मिस्टेक्स होती। बस इतने सुंदर साथ को ही पता है प्रेम का रंग कौन सा होता है, बस, और सुंदर साथ को नहीं पता। सुंदर साथ जी प्रेम का रंग पीला होता है, नीला होता है, कौन से रंग का होता है प्रेम नहीं पता हमें। हैंड रेस कीजिए जल्दी से, आज सबको करना आता है, मैं भी करती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी है प्रेम का रंग पता है। हाँ जी, हाँ जी वेरी, मुस्कान तो सबके चेहरे पे है सुंदर साथ जी, मुस्कान तो सबके चेहरे पे है। तो आइए अब पूछ लेते हैं प्रेम का रंग, जिन्होंने अभी तक कुछ ना बताया हो कौन से सुंदर। अरे वाह वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने हैंड रेस किया हुआ है। अर्चना ब्रह्म ज्ञान की, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी। लाल, अरे वाह, अति सुंदर। ये जिस कलर की चुनरी इन्होंने ओढ़ी हुई है ना, उस कलर का रंग होता है सुंदर साथ जी। बस हमारी अनीता त्यागी जी ने जो चुनरी आज ओढ़ी है ना, तो उस कलर का प्रेम का रंग होता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पांचवो प्रश्न छे, संवत 1712 से कौन से ग्रंथ के कुछ प्रकरण उतरने शुरू हो गए? 1712 से सुंदर साहब जी, 1712 से कौन से प्रकरण उतरने शुरू हो गए? श्रीमुखवाणी तो हो गई थी तब तक ऑलमोस्ट, कौन से प्रकरण थे जो बाद में भी उतरते रहे? हाँ जी स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कलश ग्रंथ 1712 संवत में था ना, प्रकरण 25 की 14 से कुछ चौपाई है कलश ग्रंथ, वो कौन से प्रकरण कहे जाते हैं स्पेशली? तब तक सारी वाणी ऑलमोस्ट संपूर्ण हो गई थी, थोड़े थोड़े प्रकरण उतरते रहे बाद में, हमारे अनिल भाई बताएंगे। प्रणाम जी, और श्रीनिवास अंकल आपको तो आता ही है, आप तो लास्ट रिजॉर्ट हो हमारे, जब किसी को कुछ ना आए तो आपके पास आएंगे। प्रणाम जी दीदी, 1712 से बात की? हाँ जी, तो 1712 से तो महाराज ठाकुर के तन से जो किरण तन उतरे उसमें महाराज जी की छाप थी, महामति की छाप नहीं थी उस वक्त। फिर हाँ, उसे पूरा जो पुरातन किरणतन कहते हैं। हाँ जी ये वाले ही सुंदर साहब जी, 1712 से 1715 तक यही करते रहे, जिसको क्या कहते हैं पुराने किरणतन, या पुराने किरंतन कहा जाता है, जिनमें मिहिर राज जी की छाप है, महामती जी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी उनको साक्षात्कार बिल्कुल सामने से नहीं हुआ। अति सुंदर अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अरे वाह। छठो प्रश्न छे दीदी, दोपहर का सूर्य
किसे कहा जाता छे। दोपहर का सूरज किसे कहा जाता है। हाँ जी, दोपहर का सूरज किसे कहा जाता है। सुंदर साजी, अरे वाह, बहुत सुंदर। अब तो श्रीनिवास अंकल से पूछना ही पड़ेगा। देखो, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हाथ खड़ा करते हैं, उनको तो सब आता है। प्रणाम जी, राणा जी की लीला है वो, दोपहर का सूरज गला मार्फत उतरा है। इसमें मार्फत का ज्ञान आने से जो है पूर्ण उजाला हो गया, दोपहर का प्रकाश हो गया, इसलिए जो प्राणा जी की लीला है ये दोपहर का सूरज गला। बिल्कुल सही। और एक जगह और भी श्रीनिवास अंकल, ये तो परफेक्ट है, उन्होंने शायद यही पूछा होगा। एक जगह और सिंधी पढ़ते हुए आया था कि इन किताबों को तो पॉप हटने वाला जो सुबह सुबह प्रकाश होता है ना, सवेरे का प्रकाश, उसको कहा जाता है, और ये किताबों को दोपहर का सूरज कहा जाता है, वो भी आया था। एक सिल्वर परिक्रमा सागर सिंगार और एक सिंधी और वो मार्फत है ही मार्फत ये मार्फत थी। बिल्कुल, वो ये दोपहर के में खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार और सिंधी और मार्फत, ये मार्फत ना। बिल्कुल सही, दोनों तरह से बता दिया सुंदर साजी, स्वरूपों में भी और राज्य के जो अंग हैं उनमें भी बता दिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। संपूर्ण वाणी नी अंदर कुल केतनी केतली चौपाइयों छे, कितनी चौपाइयां हैं बताइए। ये तो सबको ही पता है, ये कहां से प्रश्न आपके हृदय में आया, इतना सुंदर कि सारे सुंदर साथ के मुख पे मुस्कान दे गया। बहुत सुंदर। बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, 18,758 छपाई है हमारे कुलजम समूह। बिल्कुल सही, ये तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी चौपाइयां मेरे धनी ने उसमें लिखवाई। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ, तुम्हारा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल जागनी टीम, मैक्सिमम हैंड रेज का रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज किया जाता है। बहुत प्यारे, बहुत मीठे प्रश्न, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे सरल प्रश्न बनाने हैं सुंदर साथ जी, जिससे कोई वो नहीं लेना, सुंदर साथ को खुशी देनी है, वो मेन पर्पज है। इस दुख के संसार में खुशी की एक लहर भी दे पाए ना, तो बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। अब चलते हैं, तैयार हो जाइएगा, अनु दीदी आ रही है। प्रणाम जी, तो प्रश्न पूछेंगे, बहुत ध्यान से सोच के हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, पहले सुषमा शर्मा जी है। सुषमा शर्मा, पहले सुषमा दीदी। हाँ जी, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आपने चांद आंटी ने तो मुझे भेजा हुआ है, थैंक यू अनु दीदी। हाँ जी, सुषमा। प्रणाम जी, सुषमा जी आते हैं स्क्रीन पे आप एक। हाँ जी, मुझे मिल गए, मिल गए, बिल्कुल मिल गए। प्रणाम जी, सुषमा दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आप एक बार लीव करके आइए, नहीं आ रही, मैं एक बार म्यूट करके आप फिर से अनम्यूट कीजिएगा शायद। हाँ जी, नहीं आ रही, आप एक बार ना लीव करके आइए, तब तक अनु दीदी के प्रश्न ले ले, आपको लेट तो नहीं हो रहा, नहीं तो आप लीव करके आओ, फिर से आ जाएगी, धनी की मेहर से जरूर आ जाएगी। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रश्न तो बनाए हैं, वो पता नहीं मुझे सुन भी पा रहे हैं या नहीं, तो आप एक बार उनको कॉल कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन करें, ये ना हो कि फिर से 100 होने जा रहे हैं, वो आ ना पाए। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, ये प्रश्न मत समझिए, बीतक के द्वारा जर्नी समझिए। प्रणाम जी, मेरा पहला प्रश्न सिंधी से है, श्री इंद्रावती जी राज्जी से क्या प्रार्थना करती हैं? श्री इंद्रावती जी राज्जी से क्या प्रार्थना करती हैं? आप इसका थोड़ा सा साथ में हिंट दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत सारी प्रार्थनाएं करती है ना, तो आप सबसे पहले की प्रार्थना है ये।
हाँ जी, तो कौन सी वाली प्रार्थना पूछ रहे हैं, हिक मंगा वाली या कोई और? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, सॉरी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि पहली प्रार्थना दृष्टांत में थी, वो एक जैसे युद्ध में लड़ने वाली। हाँ जी, किरण कुसुम आंटी से पूछते हैं कि वो कौन सी वाली सोच रहे हैं। प्रणाम जी। दीदी मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो राज्य से प्रार्थना करती है कि जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे ही सभी सुंदर साथ को दर्शन दीजिए। तो दीदार चाहिए, हिक मंगा दीदार तो ही जो ही मिठड़ी गल सुनाए। तो हमको तो ये याद है बिल्कुल, कांध मूंजा दिल देई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो आप कौन सी प्रार्थना बोल रहे हैं अनु दीदी, आप बताइए। मैं प्रार्थना ये थी कि सबसे पहले इंद्रावती जी ये प्रार्थना करती हैं कि मैं तो मेरे को सब सखियां राजी मान रही हैं, पर जो सुख मेरे सब आप दे सकते हो मैं नहीं दे सकती। प्रणाम। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न है, तारतम वाणी का अवतरण और कौन से संबत से कौन से संबत तक पूर्ण हुआ? श्री तारतम वाणी का अवतरण कब से शुरू हुआ और कब संपन्न हुई, ये बताना है सुनिता। हाँ जी, वेरी गुड। ये तो सारे सुंदर साथ को पता है कब वो शुरू हुए और कब तक उतरे सुंदर साथ जी, ये तो हम सबको पता होना चाहिए। प्रतिभा जी, प्रणाम जी। दीदी जी 1712 से लेकर 1748 तक। हाँ जी, और 48 से 51 तक कौन से उतरते रहे कुछ प्रकरण? बिल्कुल सही है, आप जितना पूछा है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आप दे चुके हो। ये एक्स्ट्रा सागर श्रृंगार परिक्रमा जो पन्ना जी में उतरे। हाँ जी, वो तो 48 तक ही उतर गए थे, 48 से 51 तक धाम चलने के कुछ प्रकरण उतरते रहे, बाकी सारी वाणी पूर्ण हो चुकी थी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। ब्रिज रास की लीला का ज्ञान कौन से ग्रंथ में किसने कहा? ब्रिज रास की लीला का ज्ञान कौन से ग्रंथ में है? तो आप ब्रह्मवाणी के अलावा ग्रंथों की बात? ब्रह्मवाणी के अलावा कह रही हूँ मैं। हाँ जी, उनके अलावा कौन से ग्रंथों में दिया गया है? ब्रज की लीला बताइए कौन से ग्रंथ में उनका वर्णन है, रास की लीला का वर्णन। वेरी गुड मंजुला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, भागवत में अंदर, भागवत में। हाँ जी, बहुत सुंदर, श्रीमद भागवत में उनका वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर। क्या, किसके द्वारा कहा गया? सुखदेव मुनि, ये नहीं पता। बिल्कुल परफेक्ट, सुखदेव मुनि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम, खेले बिल्कुल प्रणाम, प्रणाम जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल माया में प्रत्यक्ष रूप से पार ब्रह्म की लीला कौन से संबत से शुरू हुई और कब तक हुई? इस काल माया में प्रत्यक्ष रूप से पार ब्रह्म की लीला कौन से संबत से कब तक हुई? हाँ जी, यानी उसको कैसे पूछा जा रहा है सुंदर साहब जी, प्रत्यक्ष लीला कब शुरू हुई? तो एक तो ये उनके जन्म से लेकर उनके वहां तक बता सकते हैं, है ना? तो पूछा जा रहा है कि देवचंद्र जी के जन्म से लेकर और मिहिराज जी जब ध्यान अवस्थित हुए, या फिर छत्रसाल जी का भी उनमें साथ में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, वो कितने वर्ष लिखे हुए हैं वो सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, अरे वाह, कैसे सुंदर साथ ने किस प्रकार से घुमा के वही प्रश्न पूछा, ये शब्द बड़े प्यारे, अति सुंदर। हाँ जी, तो कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं अभी? गीता दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। दीदी 120 वर्ष की नीलामी संबंध में बताइए, कब देव चंद्र जी का जन्म कब था गीता दीदी? संबंध 16 वर्ष में देवचंद जी का जन्म हुआ है और सन संबंध 1712 में उनका शरीर का त्याग किया। उसके बाद प्राणनाथ जी का जन्म भी 1675 और 1751 में तक वो लीला चली है और छत्रसाल जी की 1758 तक लीला। ये वो सुंदर साथ हैं जो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं होता। सुंदर साथ जी इनसे प्रेरणा लेनी है। ये वो सुंदर साथ हैं जो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं होता, एक एक संवत उनके हृदय में बस गया है, ये तिथियां हमने कभी नहीं भूलनी। अति सुंदर गीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रत्यक्ष रूप से जो लीला कही जाएगी ना सुंदर साथ जी, वो तो देवचंद्र जी और मिहिरराज ठाकुर जी के तन से ही प्रत्यक्ष रूप से कही जाएगी, क्योंकि उसके बाद आवेश तो प्राणनाथ जी के अंदर ही था, उनका थोड़ा थोड़ा सा आगे उन्होंने जरूर प्रेरणा दी। तो 1638 से लेकर 1700 कितने तक कहे जाएगा सुंदर साहब जी? 1751 तक ही कहा जाएगा प्रत्यक्ष लीला यदि कहनी हो, जागनी के 120 वर्ष यही कहे जाएंगे। हां जी, मैंने इसका आंसर ये लिखा था, संबत 1638 से 1752 तक, क्योंकि 51 में अंतरध्यान की लीला के बाद भी वो एक वर्ष तक सुंदर साथ को दर्शन देते रहे। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा आपने, 1752 ही श्री बीतक साहब में आया, क्योंकि एक वर्ष तक भी प्रत्यक्ष दर्शन वो देते रहे हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ ने आंसर गीता दीदी ने बहुत अच्छा दिया, एक्सप्लेन किया पूरा उन्होंने। तो सबसे पहले जागृत बुद्धि का ज्ञान किसने सुना और ईमान लाया? अरे वाह, सबसे पहले किसने सुन लिया, कौन मिल गए सुंदर साथ जी उनको और ईमान भी लेकर आ गए, फर्स्ट वो कौन रहे? वेरी गुड। हां जी, सैमसंग SM के नाम से सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्ञान जी भाई, हाँ जी बहुत सुंदर। आपका नाम सुंदर साहब जी? सरोज सलूजा, उत्तराखंड। अरे वाह, सरोज सलूजा जी उत्तराखंड से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर साहब जी, दर्शन भी दीजिए। दे दिए उन्होंने दर्शन, ये देखिए दे दिए दर्शन। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। पुराण संहिता के अनुसार सूर्य और चंद्र के क्या भाव हैं? जैसे कि सुंदरी च इंद्रा, नामाभ्य चंद्रमा, चंद्रा सूर्यो। हां जी, तो चंद्र और सूर्य के क्या भाव हैं पुराण संहिता के अनुसार? बहुत इजी है, ऐसे सुन के ऐसे नहीं लेना कि बहुत बहुत बड़े भाव बताने हैं, कोई बहुत सरल है इनके भाव वो बताएंगे। अरे वाह, वेरी गुड शांता जैन जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदरता जी, धनिश्री देवचंद्र जी और मेहरराज जी। हाँ जी बिल्कुल सही, देवचंद्र जी चंद्रवंशी, मतलब चंद्र लगा हुआ है उनके साथ, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, वो वैसे भी सूर्यवंशी उससे भी आए हैं, तो अति सुंदर ये भाव, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यार, आंसर बिल्कुल सही है और मैंने इसका आंसर ये लिखा था, पुराण संहिता के अनुसार श्याम जी, मतलब श्यामा जी चंद्र नाम के तन को धारण करेंगी और इंद्रावती जी सूर्य नाम वाले तन को धारण करेंगी, जबकि महाराज जी का अर्थ भी सूर्य ही होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, उन्होंने यही बताया, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, श्री देव चंद्र जी के जन्म पर सारे ब्रह्मांड को बधाई क्यों दी जाती है? पूरे ब्रह्मांड को बधाई, किस बात की बधाई सुंदर साहब जी, क्या मिलने वाला है उस ब्रह्मांड को जो आज तक नहीं मिला, सोचिए। अरे वाह, वेरी गुड, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी,
जो सतगुरु का अवतरण हुआ था तब भी अनुदान मिला सबको और मेहरत से का भी। हाँ जी प्रणाम जी, पूरे से अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, सुंदर साहब जी ने बहुत उत्तर सुंदर बताया। नीलम मिर्जा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, अखंड मुक्ति, अखंड मुक्ति के लिए सबसे पहले हमारी श्यामा जी ने अवतार लिया, जिसमें साक्षात उनमें आवेश शक्ति भी आकर के मूल स्वरूप की आई थी, जो कि उन्होंने यही कहा था कि अखंड मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, इसीलिए ब्रह्मांड को बधाई, बहुत बधाई। प्रणाम जी, पहले था ना सुंदर साहब जी, ब्रज में लिखा गया आज बधाई ब्रिज घर घर, ब्रिज के घर घर में बधाई है, क्योंकि वो लीला ब्रज में होने वाली है ना, और अभी ब्रह्मांड को क्यों, क्योंकि तब पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति नहीं मिलनी थी, जो जो उनके सानिध्य में आएंगे उनको मुक्ति मिलेगी, पर अब पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलने वाली है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड को बधाई दी गई है। अति सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, यही आंसर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक सबको बधाई दी गई पूरे ब्रह्मांड को कि उनको अखंड मुक्ति मिलने वाली है। प्रणाम जी, मेरा शेयर कर। और सुंदर साहब जी, वो बधाई का दिन बड़ी जल्दी आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, सितंबर में कौन सी डेट को है दुष्यंत भैया, कौन सी तिथि को, आज बधाई ब्रिज घर घर, हम भी बोलेंगे यहाँ पर, यदि हो सका तो बोलेंगे सुबह की मीटिंग में, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी भैया। हाँ जी शेयर करना मेरा। अक्टूबर में दीदी, वो 13 तारीख है श्री जी के प्रकटन वाला दिन। अक्टूबर में आई या सितंबर में है भैया? अक्टूबर में, इस बार लेट हो गया ना महीना। मैं जामनगर जा रहा हूँ। अच्छा। 10 से 14, तो 13 तारीख को वहाँ प्रकटन है श्री जी का, महामहिम प्राणनाथ जी का, तो वहाँ हमें भी दर्शन भी करवाइएगा और हम भी बधाई बोलेंगे सब सुंदर साथ में लेके, है ना? बिल्कुल जी, प्रणाम जी, अरे वाह। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, अपना सोनिया शेयर करना। हाँ जी, हाँ जी, मैंने खोल के रखा है, लास्ट क्वेश्चन मेरा शेयर। हाँ जी जी सुंदर साहब जी, अब आपको मैच करना है यहाँ पे, तो आप बताते जाइएगा, तो अनु दीदी आप बोलिए ताकि सुंदर साथ मैच करें, फिर हैंड रेज। आवेश रूप का सिंगार सहित दीदार, ये पहले तो है श्री देव चंद्र जी की जर्नी, जर्नी तो मैं उनकी नहीं लिख सकती थी, मैंने थोड़ा थोड़ा सा उनके वर्षों का लिखा है, तो वो आप मैचिंग करना सुंदर साथ जी। पहला है आवेश रूप का श्रृंगार सहित दीदार। वेरी गुड, तो हमारे आई थिंक ये सुनीता दीदी हैं ओप्पो के नाम से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, 40 वर्ष। अच्छा, कुसुम आंटी है, अरे वाह बहुत सुंदर, तो आवेश स्वरूप का, अरे वाह ये तो सरप्राइज आया इसमें से, आवेश स्वरूप का सिंगार सहित दीदार, तो इसको हमने 40 वर्षों से वो कर दिया, अति सुंदर कुसुम आंटी। प्रणाम जी, नेक्स्ट बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आपको तो सारे आते हैं मुझे पता है। प्रणाम जी, देवचंद्र जी का घर छोड़ना। हाँ जी, अब है देवचंद्र जी का घर छोड़ना। सुंदर साहब जी साथ साथ म्यूट कीजिएगा, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगी इतने सारे, तो पद्मा जी बताएंगे देवचंद्र जी का घर छोड़ना। प्रणाम जी, 16 वर्ष। हाँ जी, तो घर छोड़ना जो होगा वो होगा 16 वर्ष, 16 वर्ष आएगा। हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सुंदर साहब जी, श्रीदेव चंद्र जी के तन की कुल लीला। हाँ जी सुंदर साहब जी, म्यूट करते जाइएगा प्लीज। तन की कुल लीला कितनी थी, श्री देव चंद्र जी के तन से कितने वर्ष तक लीला हुई, तो जो मैं हैंड्स नीचे नहीं कर रही हूँ, अंजू से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, 74 years। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, 74 years यानी 74 वर्ष, बहुत सुंदर दीदी। प्रणाम जी। आगे है, सबसे पहले परमात्मा की खोज की इच्छा, सबसे पहले उनके हृदय में कब आया। हाँ जी, अंजू गिलोत्रा दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, 11 वर्ष की आयु में।
हाँ जी देखो सबको सारी चीजें पता है, मेरे को खुद नहीं याद रहता था। सुंदर साहब जी बहुत सुंदर, 11 वर्ष अंजू जी बहुत सुंदर, चरणों में प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। महराज जी के अंदर बैठना। हाँ जी दीक्षा शर्मा जी प्रणाम जी। महराज जी के अंदर कब बैठे, कब बैठ गए जमुना दास जी बताइए जल्दी से। महराज जी के अंदर प्रवेश होना। हाँ जी कोई बात नहीं दीक्षा दीदी आप। हाँ जी 1712 में, 1712 बिल्कुल सही, महराज जी के अंदर बैठे संवत 1712 में। मेरे से कुछ गलती हो गई है यहाँ पे लगता है बनाने में। हाँ जी नेक्स्ट जन्मदिन। जन्मदिन हाँ नहीं सही है ये, जन्मदिन कब है, देवचंद्र जी की जन्मी तो उनका बताना है। अरुणा जी जन्मी है तो देवचंद्र जी के बारे में ही बताना है आपने। हाँ जी अरुणा जी 1738 दीक्षा दीदी आपने नहीं बताना अब, दीक्षा दीदी आपने नहीं बताना। हाँ जी अरुणा जी 1638 बिल्कुल सही, अति सुंदर परफेक्ट उत्तर। प्रणाम जी अरुणा जी प्रणाम जी। कल पहली बार बोली थी आज फिर हिम्मत हो गई इसलिए प्रणाम जी। बिल्कुल सही बोला आपने और हिम्मत बढ़ जाएगी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। भागवत चर्चा सुनी, कब भागवत चर्चा सुनी सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ हैंड रेस कीजिए, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है बताने में। मैं ढूंढ रही हूँ, इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। कीर्तिका सोलंकी जी प्रणाम जी। भागवत चर्चा कब सुनी, हाँ जी 14 वर्ष सुनी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब तो लास्ट रह गया है वो लास्ट ऑप्शन है अपना श्यामा जी, श्याम जी के मंदिर में पहुंचना। श्याम जी के हाँ जी सुंदर साहब जी, श्याम जी के मंदिर में पहुंचना। कोई ऐसे सुंदर साथ बताएंगे जिन्होंने आज तक कभी नहीं बोला, तो मैं सारे हैंड्स नीचे कर रही हूँ। मैं एक मिनट मैं ना सारे हैंड्स नीचे कर रही हूँ। अब ये शोभा उन सुंदर साथ को मिलनी चाहिए जिन्होंने आज तक कभी एक शब्द भी नहीं बोला, प्लीज हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी। एक ही ऑप्शन बचा है, बहुत ईजी है। 26 वर्ष या 24 वर्ष, दो ऑप्शन दो है, ढूंढना एक है। हाँ जी तो ये 26 है, ये 24 वर्ष है सुंदर साहब जी। श्याम जी के मंदिर में कब वो पहुंचे थे, जिन्होंने आज तक कोई उत्तर नहीं दिया कृपया वो हैंड रेस करेंगे, जबकि चैट में उत्तर आ गया उसको देखकर हैंड रेस करेंगे। हाँ जी वेरी गुड राधा बेन जी प्रणाम जी, और दो राधा, राधा मित्तल जी राधा बेन दोनों ने हैंड रेस किया, हो सके तो मिल के बोलिए प्रणाम जी। 26 वर्ष दीदी प्रणाम जी। हाँ जी किन्होंने बताया ये, राधा दाहोद, राधा दाहोद। अब दूसरे राधा बेन बोलेंगे, राधा मित्तल जी। हाँ जी प्रणाम जी, 26 वर्ष में। अरे वाह शाम के मंदिर में पहुंचे और राधिका ना बताएं, ये कैसे हो सकता है। तो दोनों राधा नए हैंड रेज हुए और दोनों ने उत्तर बताया क्योंकि पहुंचे ही श्याम जी के मंदिर में। 26 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है सुंदर साहब जी, क्योंकि वो पहुंच तो शायद 24 में गए थे या फिर पहुंचे ही 26 में थे, पर श्याम जी के मंदिर में 100% 26 वर्ष की आयु में पहुंचे। अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हाँ जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना सुंदर साहब जी। बहुत सुंदर प्रश्न जागनी टीम के, अति सुंदर एग्जांपल सेट फॉर टुडे। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सुषमा जी की तरफ। प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी। ओ आपकी आवाज नहीं आ रही, आज क्या हो गया सुषमा जी। एक बार मैं क्या करती हूँ, रुकिएगा एक मिनट। सुंदर साथ जी एक मिनट के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, पर कोई सुंदर साथ खोलेंगे नहीं, कई बार जूम में इससे आवाज आ जाती। आप बोलिए सुषमा जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, राज जी की बहुत मेहर, ये ट्रिक काम किया। मैं फिर से सबको म्यूट कर रही हूँ, अब आप खोल के रखिए, देखिए आनी चाहिए आवाज, बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी, राज जी की बहुत मेहर, मुझे पता नहीं था पर ट्राई किया, हो गया, धनी की बहुत मेहर। आप पूछिए सुषमा जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे सभी प्यारे अति सुंदर सभी लाडले सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, मेरे युगल श्रोक के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। सद मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न तो क्या, बस वही दुष्यंत भैया जी ने कहा, खेल खेल में सब सुंदर साथ अपने राज्य को अपने धाम हृदय में बसा लें। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के द्वारा इतनी आड़ी का लीला होने के पश्चात भी उनके मतलब उनके द्वारा जागनी क्यों नहीं हुई? हाँ जी, इसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया गया है सुंदर साहब जी, धनी ने अपने दिल में लिया ही नहीं था, और कौन सा इसका कारण इसमें लिखा गया है कि जाहिरी रूप से क्यों उनके थ्रू जागनी की लीला नहीं होनी थी। बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। हाँ जी, उनकी टीम के भी हैंड रेस कर सकते हैं बाकियों का हौसला बढ़ाने के लिए। मुकेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, क्योंकि वाणी का अवतरण नहीं हुआ था जब तक। हाँ जी, इसको कहते हैं शॉर्ट क्रिस्प क्लियर परफेक्ट आंसर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, मानची के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने किसकी वासना को परखा था? किनके अंदर? मानजी जो गांधी भाई जी के बड़े बेटे थे, छोटे बेटे, उनके अंदर जो वासना परखी थी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने, उनके अंदर किसकी वासना को परखा था? अच्छा, इनका उत्तर किनसे पूछते हैं बताइए, मेरे को भी जानने को मिले। दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, जो मानजी के बेटे थे उनमें धनी देवचंद जी ने सुखबाई की आत्म को परखा था। हाँ जी, तो वो मानजी नहीं, मानजी के बेटे में बिल्कुल सुखबाई की वासना, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम, बहुत सुंदर सुषमा। तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, दज्जाल ने किस किस रूप में दोनों स्वरूप के साथ लड़ाई की, वो बताइए। अरे वाह, इसमें तो आप चाहे ना 24 hours भी कम पड़ेंगे, उन्होंने तो इतने साल लड़ाई की है सुंदर साहब जी, पर जितनी श्री बीतक साहब अभी तक हम कर चुके हैं ना, उन रूपों के बारे में तो जरूर बता दीजिए, और इस पे तो इतनी चर्चा हो सकती है जितना उन्होंने सहन किया है ना सुंदर साहब जी। अभी तक जितनी श्री बीतक साहब हमने करी उसमें दज्जाल कितनी बार कैसे कैसे आया, ये जरूर बताएंगे। ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। पहली बार तो धनी श्री देवचंद जी को हुआ था जब वो भागवत श्रीमद भागवत सुनने जाते थे, तो उस समय उनको इतना बुखार आने लगा, बुखार के वजह से इतना परेशान थे, तो फिर उनके माता पिता दज्जाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन धनी की परीक्षा थी तो उनको उस टाइम भी आया था, तो उस टाइम परीक्षा ली, तो दज्जाल का मतलब स्वरूप था, लेकिन धनी की तरह से परीक्षा हुई थी, तो उस समय हुआ था। एक एक बताना है कि और बताऊं, कि और सुंदर सांस जी बताएंगे, बता दीजिए आप ही। हाँ जी बता दे, और बताएं, बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, और प्राणनाथ जी के साथ भी हुआ, बहुत सा बिहारी जी के साथ हुआ, बहुत सारे हमारे सुंदर साथ के ऊपर भी हुआ, आगे अभी अभी तो बहुत सुंदर साथ जी बार मोमियों के साथ, वो तो अभी हुआ नहीं। प्रणाम जी। हाँ, अति सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, आपने एक बात देखी, सुषमा जी ने कितने सुंदर प्रश्न तैयार किए, उनके हृदय में धाम धनी ने ये बैठक की और सुंदर प्रश्न तैयार किए। तड़प होती है ना अंदर उनकी कि दज्जाल ने कैसे कैसे किया, तभी ऐसे प्रश्न बनते हैं, और घर में इतना कुछ सहन करते हुए इतने प्यारे प्रश्न आप करके लाए। सुषमा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मुझे भी अंदर दर्द हो रहा था कि सुषमा जी की आवाज अगर आज नहीं आई तो क्या होगा राज जी,
बहुत अच्छा लगा धनी ने आपसे बुलवाया। और सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है पहली बार जब उन्होंने सोचा होगा ना कि मुझे घर छोड़ के जाना है, वो गए होंगे मंत्री के पास, उनको मना कर दिया होगा। हमें लगता है कि ऐसे ऐसे दज्जाल उनके सामने आया, बीमार हुए, पर आपने देखा उसमें प्लानिंग कैसी छुपी थी राज जी की, क्योंकि उसके बाद उनको मिलने क्या वाला था, सिपाही रूप में मिलने वाले थे, फिर बीमार हुए तो स्वयं साक्षात सामने आने वाले थे। कितनी कसनी उन्होंने की, पर अभी अभी चुगलखोरों के रूप में भी दज्जाल आए थे। सुंदर साथ जी, कैसे राज जी ने पीछे ही पीछे निपट भी लिया। हमारी लाइफ में भी मुझे ये भी शिक्षा मिली थी उसमें से, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे क्षण होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, धनी पीछे पीछे से उनको निपट के भी आ जाते हैं, चुगलखोरों का पता ही नहीं लगता कहाँ पे क्या करा है, और हमें हवा ही नहीं होती उस बात की कि राजी ने पीछे ही पीछे से क्या, कौन सी कठिनाइयां हमारे सामने से हटा भी थी। बहुत सुंदर सुषमा जी, एक कुम्हार जी के रूप में भी धनी जी हमारे सिर पर खड़े रहते हैं हमेशा, ये तो मैंने बहुत बार ही अजमाया है, जाहिरी रूप में भी और बातिनी में भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोवर्धन जी की प्रातम का नाम बताइए सुंदर साथ जी। गोवर्धन जी की परातम का नाम, हम लोगों ने जो स्लोगन बनाया था ना सुंदर साथ जी, वो स्लोगन बताइएगा किस किस को याद है, यदि किसी को याद हो तो वो भी हैंड रेज कीजिएगा, बाद में मैं करवाऊंगी। हाँ जी, अरे वाह, थैंक यू सो मच, अर्जी भी बोलनी है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो गोवर्धन जी की परात्म का नाम क्या था, क्या है एक्चुअली में, वो पन्ना जी में है, आज भी सुन रही है उनकी परातम हमको। हाँ जी, तो कौन से प्यारे राजबाला आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, गड़बड़ा रहा। हाँ जी, नेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा नाम ही बताना है, उनके नाम बता दीजिए। नहीं, गोवर्धन जी की जो प्रातम थी उसका नाम गुणवंती बाई था, और भी बताना ना। नहीं नहीं, बस इतना ही बताना था, और बिल्कुल 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 सही और परफेक्ट आपने बता दिया राजबाला आंटी, बहुत सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, गुणवंती बाई उनका नाम था। सुंदर साहब जी, मैं एक बार ना हैंड्स नीचे कर रही हूँ, मुझे बताइए वो स्लोगन किस किस को, किसी को याद हुआ है कि नहीं हुआ, जो उनके परिवार के लिए हमने किया था, कितने डैश डैश डैश, ओनली शांता जैन जी का हाथ खड़ा हुआ इसमें। हाँ जी, शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, वो स्लोगन है, कितने धन्य हम सुंदर साथ, गुण मेहर उगिया फूटा तेज। अरे वाह, बहुत सुंदर, गुण इसमें गोवर्धन जी के लिए लिखा गया था, अति सुंदर शांता जी, परफेक्ट, सटीक और ऑन द स्पॉट, ऐसा भी नहीं कि पढ़ के बताया हो या कुछ, बहुत सुंदर, हृदय में बसा हुआ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, शुरू कर लीजिएगा, जिनको श्री बीतक साहब, मुझे नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं होता कहाँ कहाँ प्राणनाथ जी हमारे गए थे, स्लोगन बनाना शुरू कर दीजिए, वो जर्नी उनकी हमारे हृदय में बस जाए, पहले दीप बंदर में गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, उस हिसाब से शब्दों का चयन शुरू कर लीजिएगा। एक एक सुंदर साथ को याद होना चाहिए प्राणनाथ जी के कदम किस किस धरा पर धरे गए थे। हाँ जी, अगला प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न, जीवराज जी की माता जी का क्या नाम था। अरे वाह, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप प्रश्नों को, बहुत ही सुंदर, मुझे भी याद नहीं था, अब भी याद आया, अभी तक जी वैसे ही, बहुत सुंदर प्रश्न, और ये तो सुषमा त्यागी दीदी के पास ही चलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत देर से हैंड रेज कर रही हूँ, अब नंबर आया मेरा। बच्छाई बाई। अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बच्छाई, इतना सुंदर नाम था ना, अरे वाह, बहुत सुंदर सुषमा दीदी, जिस दिन आप चर्चा कर रही थी बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी बच्छाई जी, तो जैसे अभी हमारी सखी हमारे साथ ही बैठी हो, बहुत बहुत आनंद आया था उस दिन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, कान जी और नान जी की माता जी का क्या नाम था। कान जी और नान जी, आपने नहीं बताना सुषमा दीदी, कान जी और नान जी की माता जी का क्या नाम था, बताइए।
बबीता दीदी का भी खुला हुआ ये देखो। हाँ जी सुंदर साहब जी हैंड रेज, अरे वाह सुनीता दीदी को याद है। हाँ जी कांजी और नानजी की प्रणाम जी। कांजी और नानजी ये जो जमुना बाई थी ना गांग जी की बेटी, उनकी जेठानी थी यशोदा, शायद यशोदा उनका नाम था। बबीता दीदी भी बताएंगे प्रणाम जी। हाँ जी यही दीदी, मैंने भी यही सोचा था। हाँ जी यही है सुंदर सा जी, एक बार फिर से दोहराना, मेरे को खुद ही भूल गया। हाँ जी क्योंकि ये जो इन्होंने गोद लिए थे ना दत्तक पुत्र नाग जी भाई, तो ये इनको भांजा भी बोलते हैं और इनके पुत्र भी है, दत्तक पुत्र भी है। हाँ जी जंतिक पुत्र भी, और इनको भांजा भी बोलते हैं, तो वो उनकी जो जमुना बाई थी उनकी जेठानी यशोदा बाई थी उनका पुत्र। अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुषमा जी आप एक बार इनको दोहरा जरूर दीजिए, बहुत सुंदर जी। प्रश्न ही बदल दीजिए आप, ये वो कांजी के लिए समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, जो बिहारी जी ने दत्तक पुत्र लिए हुए थे। हाँ जी ये कांजी नानजी भाइयों की बात कर रहे हैं ये। हाँ कांजी और नानजी दो भाई है, उनकी माता जी है। आप पुत्र दे दीजिए सुषमा जी। रतन बाई जी रतन बाई जी के, गीता दीदी बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, गीता दीदी उत्तर बताएंगे, रुको एक मिनट अब चल रहे हैं आपके पास। प्रणाम जी गीता दीदी भाई इसके बारे में नहीं पता मुझे। कांजी भाई ये कांजी भट्ट वो थे जो भागवत कर रहे थे, तो कांजी नागजी भाई समझ रही हूँ मैं। हाँ, वो ना कांजी भाई बहुत बार आते हैं एक्चुअली में, तो कांजी और नानजी सुषमा जी ने ढूंढ के लिखा होगा, आप एक बार रिपीट कर दीजिए कैसे कैसे था, बस उनकी माता का नाम ही आया हुआ है ना जी। ये 11वें प्रकरण में जो सुंदर साथ जी के नाम आए थे, जो मतलब सेवा में समर्पित थे धनी श्री देवचंद जी के चरणों में, तो उन्हीं 11वें प्रकरण में है जी इनकी कांजी और नानजी की माता जी, ये पूर्ण समर्पित थे राज जी के चरणों। हाँ जी तो उनकी माता जी का नाम माता जी रतन बाई जी। तो अब से याद रखेंगे हम सुंदर साथ, बनाएंगे इसकी लिस्ट भी जरूर। हाँ जी हाँ जी, 11वां प्रकरण ये अभी 3-4 दिन पहले की चर्चा में ही आया था जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और समय है एक प्रश्न और लू। एक प्रश्न ले लीजिए। हाँ जी, कुरान के कौन से सिपारे में हम बोमिनों या ब्रह्म सृष्टियों के बारे में लिखा हुआ है? ये तो शायद आपको ही बताना पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं बताएंगे सुंदर साथ जी, बताएंगे। याद है उनको, देखो वेरी गुड मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। 7वें सिपारे में। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, तो इसको याद कर सकते हैं 7 दिन की लीला और 7वें सिपारे में ही लिखा हुआ है। 12वें सिपारा सुंदर साथ जी, 12वें सिपारे में। 12वें तो 12,000 मोमिन है, 12,000 मोमिनों की 7वें सिपारे में, 12,000 मोमिन उतारने थे ना राज जी को, तो इसलिए 12वें सिपारे में लिखा उन्होंने। हाँ जी बहुत सुंदर सुषमा जी, माँ की तो अनंत शोभा है, परम धाम में अनंत सखियां है, अनंत शोभा है, लेकिन उन्होंने 12,000 उतारा और 12वें सिपारे में ही लिखा। अरे वाह बहुत सुंदर अति। अच्छा आप ये बताओ कि वहां से केवल 12,000 को ही उतारा, बाकी कहाँ गई? वहीं पे बैठी हुई है ना परम धाम में श्री राज जी के चरणों में, वो तो स्वामी जी ने बाकी वहीं छोड़ दी है। स्वामी जी ने बताया था कि जिस तरह हम चावल बनाते हैं तो एक चावल को ही देख के सारा का पता कर लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियां कुछ ही अंश मात्र में आई, बाकी सब परम धाम में ही है। प्रणाम जी प्रणाम जी, तो अनंत रूप धनी ही तो लेते हैं उनके, आई तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कुछ वहां पे छोड़ दी हो, लाए तो वो ब्रह्म सृष्टियां पर बेसुमार ल्याए सुमार में या सुमार में लाने के लिए ऐसा लगता है इतना कहा गया। बहुत सुंदर प्रश्न, जागनी टीम की अति 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 सुंदर सेवा, जागनी का ब्रह्मांड भी चल रहा, जागनी की रास चल रही, जागनी टीम की सुंदर सेवा। और अब हम चलते हैं सुंदर साजी, कौशिका बहन वेट कर रही हैं बहुत प्यारी अर्जी के लिए, फिर हम चलेंगे कुसुम आंटी के पास। हाँ जी कौशिका बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बहुत सुंदर आवाज आ रही है। सुंदर साथ जी छोड़िएगा मत, क्योंकि
अभी अभी दुष्यंत भैया ने मुझे बहुत सुंदर एक सारे बीतककारों की लिस्ट भेजी है, उनके प्यारे प्यारे नाम, तो वो सब आप सुंदर साथ को दिखाने हैं, उनके दर्शन करवाने हैं, तो अर्जी के बाद उनके दर्शन करेंगे। अति सुंदर। हाँ जी कौशिका बेन, आवाज आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम पिया तुम होते सी की जियो में, अर्ज करो मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जीना करो पिया, तलप तलप जाय जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं की न सकाऊ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिना नहीं तो करो पिया, जो कोई दूसरा ओ यजी, सब विद पिया जी समरथ दिन, रे न जत रो यजी, जन्म यंदे जो महूति, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप देखाओगे पिया, तब देखू के नैनो भर जी, ए पुकार पिया सुन के अब, दिल करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर लीजियो में, अर्ज करो दुलही नची, इतली अर्ज में तो करो पिया, जो याडी भयंत राय जी, सोयाडी अंतर डाली के दूला की जे कंठ लगाया जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया की जे, हाँ सभी लास जी, वारणी जय सिंद्रवती पिया, राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुलाहीन पिया, और न जानो बात जी, इस कसो से वा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता दाम दणी में, कहाँ कहो न बात जी, श्री मामति जुगल स्वरूप परवड़ी, अंगन जय बली जात जी, सदा सुखदात श्री धाम धनी में, कहाँ कहो न बात जी,
श्री ममति जुगल स्वरूप परवड़ी अंगन जय बलि जात जी पिया तुम होते जियो में अर्ज करो मेरे पियू जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सर्वे सुंदर साथ की जय आज के आनंद नीचे आनंद कराने वाले की जय प्रणाम 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 जी। बहुत सुंदर आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ श्री पन्ना जी से ही संपादित हो रहा था आज की लीला। धनी जी की बहुत मेहर, इतनी मीठी इतनी प्यारी जैसे स्वर पन्ना जी से फूट रहे हो। अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी बहुत मीठी बहुत प्यारी अर्जी। सुंदर साथ जी एक बहुत सुंदर दुष्यंत भैया ने भेजा कि आज हमारे पास कितनी बीतकें उपलब्ध हैं, तो देखिए कौन कौन सी बीतक। इन सब के तो नाम पढ़ के धन्य हो जाएंगे सुंदर साहब जी जिन्होंने श्री बीतक साहब लिखी हो। तो वर्तमान में उपलब्ध बीतक एवं उनके रचनाकार, रचनाकार यानी बीतककार, और बीतक का नाम क्या है उनका। सबसे पहले मूल बीतक श्री महामती लालदास जी, कृत बीतक श्री करुणा सखी कृत, उनका क्या नाम है तारतम की बीतक, श्री नवरंग स्वामी कृत सुंदर सागर उनका नाम। देखिए बीतक का नाम भी कितने प्यारे प्यारे, श्री स्नेह सखी कृत लीला रस सागर, श्री ब्रिजभूषण महाराज कृत वृत्तांत मुक्तावली जिनका नाम भी आया एक दो बार सुंदर साथ जी, श्री बख्शी हंसराज कृत मिहिर राज चरित्र, श्री लल्लू भट्ट कृत वृत्तमान दीपक अति सुंदर, श्री दीन भिखारी कृत श्री निजानंद सागर बहुत सुंदर, श्री कृष्ण दत्त शास्त्री कृत निजानंद चरितामृत, श्री राजन स्वामी जी कृत दोपहर का सूरज गद्य सुंदर साजी उस रूप में, श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज कृत विचार विमर्श गद्य रूप में, श्री पंडित कैलाश जी कृत तीन स्वरूप की बीतक हिंदी खड़ी बोली भाषा में। तो उपरोक्त सभी बीतककारों ने अपनी बीतक ग्रंथ की रचना श्री महामती लालदास जी महाराज कृत बीतक के आधार पर ही की है और उसी को सर्वश्रेष्ठ मान्यता दी है। इन सब सखियों के चरणों में, इन सब शिरोमणि सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ की ओर से कोटान कोट परिणाम प्रणाम अविधार जो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच दुष्यंत भैया, अति सुंदर ये सेवा। ये सुंदर साथ जी ये आज ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी ताकि कोई भी सुंदर साथ कोई भी बीतक क्या पता कोई प्रसंग यहाँ हो और वहां पर डिफरेंट तरह से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ हो, तो जरूर जैसे मिले जहां से मिले धनी जी की वाणी उनकी बीतक जरूर पढ़िए, घर में उपलब्ध हो सबको बांटिए। प्रणाम जी आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी भूलना नहीं, मैंने अभी बताया ही नहीं, मैं ही भूल गई थी, कल सारे वीडियोस जो अब तक आ चुके हैं ना, एक एक में आनंद नहीं आता रोज रोज, तो कल सारे वीडियोस देखेंगे। और आपको पता है एक ऐसी सूरत की सुरताओं ने वीडियोस तो भेज ही दिए हैं, बड़े सुंदर बड़े ही प्यारे, और वो हम सारे आनंद लेंगे। मूल मिलावा कैसे उन्होंने बनाया, कौन कौन सी सखी कैसा श्रृंगार सजकर बैठ गई है, और जीएल तनेजा अंकल ने सुंदर साथ जी वो हब्सा जिसके दर्शन शायद ही कभी किसी को नसीब हुए हो यहाँ पे, वो हब्से की फोटोज ओरिजिनल वाली जो उन्होंने 2000 उन्होंने लिखा है, मैं उनकी चैट भी आपको दिखाऊंगी कल पूरी, मुझे सन याद नहीं है 2000 समथिंग में उन्होंने खींची थी, वो पुरानी ढूंढ कर लेकर आए क्योंकि एडिट कर दी गई थी,
ओरिजिनल वाली ढूंढ कर लाए, वो सारी उन उन मंदिर के, हफ्सा मंदिर ही कहूंगी मैं तो उसको, उसके दर्शन भी करवाए जाएंगे उन फोटोज के थ्रू, हम भी वहां स्वयं को कल महसूस करेंगे। तो समय से जुड़ जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।